हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर नंबर 3, क्लास 12th की बायोलॉजी। ठीक है, दो लेक्चर हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और उम्मीद है उसके सारे टर्म्स तुम लोगों ने अच्छे से समझ लिए होंगे, क्योंकि उन टर्म्स को मैं यहाँ बार बार पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि उसमें होता है टाइम वेस्ट। क्लियर है? अगर कोई टर्म क्लियर नहीं है तो क्या करोगे, उसे पॉज करोगे वीडियो को, उस टर्म को बैक जाओगे, उसको समझोगे और फिर वीडियो को आगे स्टार्ट करोगे। और एनसीईआरटी तो तुम सब लोगों ने निकाल ली होगी, बिना एनसीईआरटी के लेक्चर बेकार हो जाएंगे। क्लियर है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, जो हेडिंग रहेगी हमारे पास, स्टार्टिंग रहेगी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो अब यहाँ पे बच्चों सबसे पहले एक काम क्या कर लेना, इस चैप्टर में एक जरा पिक्चर बनाने की कोशिश करो। सबसे पहले हमने क्या देखा, मेंडल आए, उन्होंने कुछ चीज देखी जो ट्रांसफर हो रही है, ठीक है, उसको फैक्टर कहा, फिर बाद में उसको जीन्स कह दिया गया, ठीक है, फिर डोमिनेंस का कॉन्सेप्ट आया, फिर कोडोमिनेंस का आया, ठीक है, फिर इनकम्प्लीट डोमिनेंस का आया, फिर क्रोमोसोमल थ्योरी आ गई कि आखिरकार क्या चीज है वो। तो ये सीक्वेंस दिमाग में रखना है, ठीक है ना। फिर क्या हुआ, लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन, यानी कि कहीं ना कहीं अपवाद या जो लॉस थे मेंडल के, उनमें कुछ दिक्कतें थी, और दिक्कत किसकी वजह से थी, लिंकेज की वजह से, जो कि हमने, हमको किसने दिखाया, मॉर्गन ने दिखाया, किसके अंदर, ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई के अंदर। तो ये सीक्वेंस जब दिमाग में रखोगे तो एनसीईआरटी क्या कर रही है, हमें स्टेप बाय स्टेप कुछ कुछ टॉपिक देकर कुछ डाटा देती है। आज एक नई चीज स्टार्ट कर रही है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। क्या होता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, आओ समझते हैं। ओके, तो कह रहा है मेंडल्स स्टडीज मेनली मेंडल की, है ना, मेंडल्स यानी कि मेंडल की जो स्टडी थी, उसका जो पढ़ा हुआ था, वो मेनली क्या डिस्क्राइब कर रहा था, डिस्क्राइब करता है दो ट्रेट दैट हैव डिस्टिंक्ट अल्टरनेट फॉर्म सच एज फ्लावर कलर। मेंडल ने जो चीज स्टडी करी वो हम, उसने किस चीज के बारे में, मतलब उसने इत्तेफाक था उसके साथ कि उसको कुछ ऐसे कैरेक्टर चूज करे जिसमें एकदम क्लियर कट हमें डिस्टिंग्विश दिख रहा था, टॉल और ड्वार्फ, वॉयलेट फ्लावर, व्हाइट फ्लावर, क्लियर कट डिस्टिंग्विश था, और ये उसका सबसे अच्छा, हम कह सकते हैं, लक था। तो साफ साफ लिखा है, मेनली क्या डिस्क्राइब किया, उन ट्रेट को, उन लक्षण को उसने देखा दैट हैव डिस्टिंक्ट, एकदम अलग अलग अल्टरनेट फॉर्म, अल्टरनेट मतलब एक टॉल और दूसरी शॉर्ट। क्लियर है? सच एज, यहां पे एग्जांपल दे रहा है फ्लावर कलर को लेकर के, आइदर पर्पल और व्हाइट, ये बात हमको बहुत अच्छे से पता है। कह रहा है बट, लेकिन इफ यू लुक अराउंड यू विल फाइंड दैट देयर आर मेनी ट्रेट विच आर नॉट सो डिस्टिंक्ट। कह रहा है अगर आप आसपास देखो तो बहुत से ट्रेट ऐसे हैं जो बिल्कुल ही क्लियर कट नहीं दिखाई पड़ते, उनका डिस्टिंक्शन करना, जैसे कि मैं तुम लोग एक चीज बताऊं, एक ह्यूमन की बात कर ले, अगर ह्यूमन में ऐसा तो नहीं है ना कि एक बिल्कुल ब्लैक है और एक बिल्कुल व्हाइट है, बीच के भी कॉम्बिनेशन आते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, हल्को क्या कहते हैं, सांवला है, कोई व्हीटिश वाइट है, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन है बीच वाले। तो इन कॉम्बिनेशन के बारे में कोई जिक्र नहीं था उस समय के हिसाब से, तो बस वही बात बताना चाह रहा है यहां पर। बट इफ यू लुक अराउंड, अगर आसपास देखोगे, यू विल फाइंड, तुम पाओगे, देयर आर मेनी ट्रेट्स, कई सारे ट्रेट्स हैं, ट्रेट में समझ गया ना, कैरेक्टर्स विच आर नॉट सो डिस्टिंक्ट, जो बहुत ज्यादा अलग अलग नहीं है, बीच बीच के होते हैं, मिक्सचर होते हैं इन देयर ऑक्यूरेंस एंड आर स्प्रेड अक्रॉस अ ग्रेडियंट, और एक ग्रेडियंट। अब यहाँ पर ग्रेडियंट टर्म का मतलब क्या आ गया, इसको हम समझेंगे ह्यूमन कलर से, सबसे अच्छा समझने तरीका है। अगर हम एक बिल्कुल ब्लैक ले लें, ह्यूमन्स में एक बिल्कुल ब्लैक, डार्क कलर के ह्यूमन भी पाए जाते हैं जिनकी स्किन बहुत डार्क है, और एक बिल्कुल व्हाइट ले लें, ठीक है ना, तो देखो ग्रेडियंट क्रिएट हो गया, एक बिल्कुल ब्लैक, एक बिल्कुल व्हाइट, अब थोड़ा सा लेस ब्लैक, बीच का आ गया, सांवले आ गए, फिर थोड़े से सांवले में, थोड़े से सफेद, सांवले में थोड़े सफेद, और फिर एकदम व्हाइट आ गए। तो ये ग्रेडियंट है ना, कम से ज्यादा, या इधर से इधर चल रहे हैं, इधर से इधर चल रहे हैं, ग्रेडियंट मतलब एक डिफरेंस होता है। तो यहां पर एक पूरा पूरा हमारे पास क्या मिल रहा है, हमको ग्रेडियंट मिल रहा है, एक पूरी रेंज मिल रही है। क्लियर है बातें? तो कह रहा है स्प्रेड अक्रॉस, यानी कि एक ग्रेडियंट, ब्लैक और व्हाइट का जो डिफरेंस है, उस ग्रेडियंट के अक्रॉस पूरा वो ट्रेट या लक्षण फैले हुए हैं, जो कलर है बिल्कुल ब्लैक और व्हाइट के बीच में डिफरेंट कलर है, देख सकते हो तुम लोग आसपास अपने, ठीक है। कह रहा है फॉर एग्जाम्पल इन ह्यूमंस वी डोंट जस्ट हैव टॉल और शॉर्ट, और टॉल और शॉर्ट की टर्म में बात करें, 6 फीट भी होते हैं, छोटे भी हैं, 5 फीट भी हैं, 4 फीट भी हैं, 4.5 फीट भी है, 5 फीट, 5.5 फीट, पूरी पूरी रेंज है हमारे पास। एक एक्सट्रीम ले जाए, नॉर्मल 6-6.5 फीट के लोग होते हैं, एक नीचे आ जाए तो एक नॉर्मल जो रेंज पाई जाती है वो लगभग 5-5.5 फीट की पाई जाती है, उसके बीच में अगर देखें हम पूरी रेंज है, अगर एक ग्रेडियंट मान लें ये टॉल और ड्रॉफ की, इसके बीच में पूरी पूरी रेंज है, तो उसकी बात कर रहे हैं यहां पर, ठीक है।
क्या कह रहा है, फॉर एग्जाम्पल इन ह्यूमंस वी डोंट जस्ट हैव टॉल, हमारे पास सिर्फ टॉल और शॉर्ट पीपल ही नहीं है, एज टू डिस्टिंक्ट अल्टरनेटिव, यानी कि टॉल और शॉर्ट दो अलग अलग करेक्टर ही नहीं है, होल रेंज ऑफ पॉसिबल हाइट, पूरी रेंज है, जो मैं बता रहा था अभी, हाइट कुछ भी हो सकती है। सच ट्रेट्स आर जनरली कंट्रोल्ड बाय, अब लाइन समझना, ऐसे जो ट्रेट होते हैं जिसकी पूरी पूरी रेंज रहती है, कंट्रोल्ड बाय थ्री और मोर जीन्स, अंडरलाइन करेंगे इस बात को, ऐसे लक्षण कम से कम तीन और तीन से ज्यादा जीन्स के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, एंड आर दस कॉल्ड पॉलीजेनिक ट्रेट। अब तुरंत दिमाग में सेट कर लो, ठीक है ना, जब कोई, अब यहां पे देखो, सिंपल देखो क्या आ गया, एक डेफिनेशन आ गई, ऐसे ट्रेट जो कंट्रोल किए जाते हैं दो थ्री दो नहीं तीन और तीन से ज्यादा जीन्स के द्वारा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीजेनिक ट्रेट कहते हैं, पॉली जीन है ना, पॉली मतलब कई सारे, अब देखो बात समझ में आ रही होगी, अब हेडिंग समझ में आ रही है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, पॉलीजेनिक यानी पॉली जीन से पॉलीजेनिक, ट्रेट मतलब करेक्टर, क्लियर है बातें। बिसाइड द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मल्टीपल जीन्स, बिसाइड मतलब इसके अलावा, मल्टीपल जीन्स के इन्वॉल्व होने के अलावा, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस ऑल्सो टेक्स, क्या कह रहा है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस ऑल्सो टेक्स इंटू अकाउंट द इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरमेंट, यानी कि यहां पे एक बात स्पष्ट कर रहा है, ये क्या कह दिया इसने, बिसाइड द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मल्टीपल जीन, जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होता है, यानी कि अब यहां पे देखो बच्चा क्वेश्चन छुपा हुआ, बहुत कायदे समझना, कि जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, मल्टीपल जीन्स, ये बात एकदम स्पष्ट कह रहा है, लेकिन ये लाइन क्या कह रही है कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, यानी कि ये जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस हो रही है, इसमें मल्टीपल जीन्स का रोल तो है, बिसाइड इसके अलावा एनवायरमेंट का इन्फ्लुएंस भी यहां पर रोल प्ले करता है, ऑल्सो टेक्स इंटू अकाउंट, है ना, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस ऑल्सो टेक्स इंटू अकाउंट कौन, इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरमेंट, एनवायरमेंट का इन्फ्लुएंस भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी या जिम्मेदार होता है। अब ह्यूमन स्किन कलर की बात कर लें, ऑब्वियसली बात है जहां पे धूप बहुत ज्यादा है स्किन डार्क हो जाती है, जो सर्दी इलाके वहां स्किन, अगर कोई काला भी इंसान है ना, वो थोड़ा सा कहने का उसका कलर खुल जाता है, क्यों, एनवायरमेंट, हमको खूब अच्छे से पता है ये बात बच्चों, यूवी लाइट हमारी बॉडी में मेलानिन नाम का केमिकल प्रोड्यूस करती है जो हमको यूवी लाइट से बचाती है, और इसीलिए हमारी स्किन कैसी होती है, उस एरिया में डार्क हो जाती है, तो कहीं ना कहीं जीन्स के अलावा एनवायरमेंट फैक्टर, तो ध्यान रखना यहां पर अलग से मार्क कर लेंगे कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस किस किसके द्वारा इन्फ्लुएंस किए जा रहे हैं, जीन्स प्लस एनवायरमेंट, दोनों चीजें इनको अफेक्ट करेंगे, क्लियर है, मार्क कर लेंगे इस बात को। अब कह रहा है ह्यूमन स्किन कलर इज अनदर एग्जाम्पल, ह्यूमन स्किन कलर इसका अनदर क्लासिक एग्जाम्पल है, इन अ पॉलीजेनिक ट्रेट द फिनोटाइप, ठीक है, यानी दो होगा यहां पर ह्यूमन हाइट, और दो एग्जाम्पल कर लेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ठीक है, तो यहां पर अब देखो एनसीईआरटी को बार बार तो पूरा पढ़ोगे नहीं, मेन मेन लाइन मार्क करते चलोगे, बात समझ में आ रही है, तो देखो ऐसा भी कर सकते हो कि जो हाइलाइटर होता है हमारे पास, ठीक है, जैसे कि मान लो हाइलाइटर ले लोगे और इसको क्या कर रहे हो, इस तरह से हाईलाइट करते चलो। दूसरा क्या तरीका है जो मैं बता रहा था, ये एग्जाम्पल ले लो, यहां पर क्या ले लो, इसके एग्जाम्पल लिख लो इस तरीके से, यहां पर क्या लिख लो, ह्यूमन, उसकी हाइट हो गई, ह्यूमन का कलर हो गया, ये किसके एग्जाम्पल है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के, इसको शॉर्ट करते चलो, जिससे क्या है तुमको बार बार पढ़ने की जरूरत ना पड़े। आगे आते हैं, कह रहा है ठीक है, ह्यूमन स्किन कलर इज अनदर क्लासिक एग्जाम्पल फॉर दिस, ठीक है, ये भी एक एग्जाम्पल नोट कर लेंगे, इन अ पॉलीजेनिक ट्रेट द फिनोटाइप रिफ्लेक्ट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच एलील, मार्क करेंगे इस बात को, पॉलीजेनिक ट्रेट में अभी तक क्या था, मेंडल में हमने क्या देखा था, F1 जनरेशन में केवल एक ही एलील, जैसे टॉल का कैपिटल टी वाला, वही अपना इफेक्ट दिखाता था, छोटा वाला टी अपना इफेक्ट नहीं दिखाता था, क्लियर है, यहां ये बात स्पष्ट कर रहा है कि फिनोटाइप में, फिनोटाइप के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच एलील, हर एक एलील अपना कुछ ना कुछ हिस्सेदारी देगा, क्लियर है, दैट इज द इफेक्ट ऑफ ईच एलील इज एडिटिव, मार्क करेंगे इस लाइन को अच्छे से, कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या, अब वो क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं ऐसे कि एडिटिव इफेक्ट ऑफ एलील इज सीन इन, कहां दिखता है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में दिखता है, बात समझ में आ गई, एडिटिव इफेक्ट यानी कि हर एलील का इफेक्ट एडअप हो जाता है, जुड़ जाता है, क्लियर है। टू अंडरस्टैंड दिस बेटर लेट अस एज्यूम दैट थ्री जीन्स एबीसी, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल और देना चाहती है एनसीईआरटी, कह रहा है तीन जीन्स ले लो एबीसी,
कंट्रोल स्किन कलर इन ह्यूमन विद द डोमिनेंट फॉर्म्स ए बी एंड सी, कह रहा है तीन जीन्स हैं ए बी सी, वो स्किन कलर को कंट्रोल करते हैं और डोमिनेंट फॉर्म कौन सी है ए बी सी, रिस्पॉन्सिबल फॉर द डार्क स्किन। ए बी सी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल, अगर पूरे पूरे ए बी सी होगा कैपिटल वाले तो डार्क स्किन कलर आएगा, एंड द रिसेसिव फॉर्म ए बी सी फॉर लाइट स्किन कलर, यानी हम कह सकते हैं गोरे लोग। ओके अब क्या कह रहे हैं यहां पर, जो दो एग्जाम्पल तौर पर ले लिया था, जीनोटाइप विद ऑल डोमिनेंट एलील विल हैव द डार्केस्ट स्किन कलर एंड डेट विद ऑल रिसेसिव एलील विल हैव द लाइटेस्ट स्किन कलर, ठीक है। वो एग्जाम्पल देकर समझाना चाहता है। अच्छा इसको अब तुम एग्जाम्पल यहां तो एनसीईआरटी ने दे दिया है, तुम्हारे पास एग्जाम में आ सकता है एग्जाम्पल, ठीक है ना, कि बताओ कि कैपिटल ए बी और सी, ये तो हो गया किसका डार्क के लिए अगर इसके पेयर में रहेंगे, और छोटे एबीसी वाले होंगे तो लाइटेस्ट कलर। As expected, the genotype with three dominant allele and three recessive allele will have an intermediate skin color. कह रहा है as expected, जैसे expect करें, the genotype with three dominant allele and three recessive allele, कह रहा है कि अगर ऐसा हो जाए, ये line क्या कह रही है, A A B B और C C, अगर ये condition आ जाए, will have an intermediate skin color, dark का और एकदम किसका white का बीच का आ जाएगा, जस्ट लाइक हम लोग कह सकते हैं जिसे हम वीटी ब्राउन कहते हैं, है ना, गेहूं कलर जो होता है हल्का सा ब्राउन भी, मतलब डार्क भी होता है और व्हाइट भी होता है, ठीक है। इन दिस मैनर द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ एलील इन द जीनोटाइप वुड डिटरमाइन द डार्कनेस और लाइटनेस ऑफ स्किन इन एन इंडिविजुअल। तो यहां से देखो फिर एक लाइन अंडरलाइन करने वाली, यहां से क्वेश्चन क्रिएट होने की बहुत ज्यादा संभावना है। इन दिस मैनर द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ एलील इन जीनोटाइप, हर एक टाइप का एलील जो जीनोटाइप में होगा वुड डिटरमाइन, वो डिटरमाइन करेगा डार्कनेस और लाइटनेस ऑफ द स्किन इन एन इंडिविजुअल। दो बातें हो गई, एलटी वाली बात यहां से आई, और हर एक एलील इसी बात को, इस तरह बोला गया है कि हर एक एलील डिटरमाइन करता है कि स्किन कलर कितनी डार्क होगी और कितनी लाइट होगी। क्लियर हो गया, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस दिमाग में सेट कर लो, एक कैरेक्टर कई सारे जीन्स के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। चले आगे, एक और टर्म आता है प्लियोट्रोपी, आओ समझे हम क्या है ये, इसका आंसर अभी मिल जाएगा। वी हैव सो फार सीन दैट, अब तक हम लोग, सो फार मतलब अब तक, वी हैव सीन, देख चुके हैं द इफेक्ट ऑफ अ जीन ऑन अ सिंगल फिनोटाइप और ट्रेट, एक फिनोटाइप पर जो एक कैरेक्टर रहता है या एक लक्षण होते हैं, कैरेक्टर होते हैं, उसके ऊपर हम लोग जीन का इफेक्ट को देख चुके हैं। देयर आर हाउएवर इंस्टेंसेस, हालांकि यहां पे कई सारे इंस्टेंसेस मतलब घटनाएं हैं, उदाहरण है, वेयर अ सिंगल जीन कैन एग्जिबिट मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन। अब देखो उल्टी बात हो गई, ऊपर वाले केस में क्या था, पॉलीजेनिक में एक कैरेक्टर कई सारे जीन्स, यहां उल्टा हो गया, एक जीन कई सारे कैरेक्टर, है ना। सिंगल जीन कैन एग्जिबिट, एग्जिबिट मतलब रखता है या शो करता है मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन, मार्क कर लेंगे इसको, क्लियर है। सच अ जीन इज कॉल्ड प्लियोट्रोपिक जीन, खत्म कहानी। ऐसे जीन्स को हम लोग क्या कहते हैं, प्लियोट्रोपिक जीन कहते हैं। अब यहां पर कुछ एग्जांपल दे रखे होंगे, कर लेते हैं। द अंडरलाइंग मैकेनिज्म ऑफ प्लियोट्रोपी इन मोस्ट केसेस इज द इफेक्ट ऑफ अ जीन ऑन मेटाबॉलिक पाथवे व्हिच कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द डिफरेंट फिनोटाइप। अब ये प्लियोट्रोपी शो कैसे होती है, विद द हेल्प ऑफ, कहां पे अपना असर दिखाता है ये, मेटाबॉलिक पाथवे के थ्रू। तो यहां साफ साफ लिखा हुआ है द अंडरलाइंग मैकेनिज्म ऑफ प्लियोट्रोपी, प्लियोट्रोपी इफेक्ट किस वजह से शो होती है, तो कह रहा है इन मोस्ट केसेस, ज्यादातर केसेस में इज द इफेक्ट ऑफ अ जीन ऑन मेटाबॉलिक पाथवे, मेटाबॉलिक पाथवे के ऊपर असर करके वो कई सारे कैरेक्टर को शो कर देता है। सेम जीन मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करेगा, एक इंसान के अंदर कुछ दूसरा गुण पैदा कर देगा, सेम जीन मेटाबॉलिज्म के ऊपर इफेक्ट करके दूसरे इंसानों को दूसरा कैरेक्टर क्रिएट कर देगा, ठीक है, विच कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स डिफरेंट फिनोटाइप, ठीक है। तो इसका रीजन क्या आ जाएगा, प्लियोट्रोपी इज द बेसिस, प्लियोट्रोपी का बेस क्या है, इफेक्ट ऑन मेटाबॉलिक पाथवे। बात समझ में आ रही है, चीजें छुपी हुई है यहां पर, आगे आते हैं। अब क्या कह रहा है, एन एग्जाम्पल ऑफ दिस इज द डिजीज फिनाइल कीटोन्यूरिया। अब इसका एग्जाम्पल देख लो, ऊपर के एग्जाम्पल में क्या थे, पॉलीजेनिक में स्किन कलर और हाइट, यहां पर क्या आ गया, फिनाइल कीटोन्यूरिया, ठीक है, इसकी डिटेलिंग अभी आगे और आएगी, विच ऑकर्स इन ह्यूमन, ठीक है। द डिजीज इज कॉज्ड बाय म्यूटेशन इन द जीन दैट कोड्स फॉर एंजाइम फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। अब समझते हैं बात को, इसकी डिटेलिंग आगे फिर आएगी। फिनाइल कीटोन्यूरिया एक बीमारी है, ठीक है, क्या बीमारी होती है, ये जो डिजीज है, डिजीज कॉज्ड बाय म्यूटेशन, म्यूटेशन होने की वजह से, म्यूटेशन को भी थोड़ी सी डिटेलिंग ले लेंगे आगे जब ये आएगा, ठीक है। म्यूटेशन इन द जीन, जीन के म्यूटेशन का मतलब क्या है, तो वो जीन्स का मतलब क्या होता है, थोड़ा शॉर्ट में बता दूं मैं,
डीएनए जो होता है, थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको जिनको नहीं पता है। डीएनए के अंदर एक खास पार्ट होता है जो अपने ऊपर क्या बनाता है, एक चेन बनाएगा, और ये चेन बाद में निकल के बाहर आ जाती है। इस चेन को हम लोग क्या कहते हैं, आरएनए कहते हैं। और यही आरएनए अपने ऊपर क्या बनाता है, एक प्रोटीन बनाता है। पहले मैंने इसको दिखाया था, सिक्स चैप्टर में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये। तो अल्टीमेटली जो डीएनए है, जो पार्ट डीएनए के जो जिस पार्ट पर आरएनए बन रहा है, इसी पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, जीन्स कहते हैं। बात समझ में आ गई, डीएनए का वो हिस्सा जो अपने ऊपर आरएनए बनवाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जीन्स। तो डीएनए अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करता है, डीएनए कैसे बताता है कि मेरे पास ये इंफॉर्मेशन है, प्रोटीन बना करके। क्या बना करके, प्रोटीन। जिस खास टाइप की प्रोटीन बनाएगी डीएनए, इसका मतलब वो इंफॉर्मेशन उसमें छुपी हुई है। अब बात को समझना, अब प्रोटीन आगे क्या बनाता है, सब कुछ बनाता है। प्रोटीन हार्मोन है, प्रोटीन एंटीबॉडीज है, प्रोटीन एंजाइम है। बॉडी में हर एक चीज तो प्रोटीन ही है, तभी तो कहा जाता है कि बच्चों की हेल्थ में प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल होता है। बात समझ में आ रही है। तो देखो अब यहां से फिर से देखते हैं हम लोग, द डिजीज कॉज्ड बाय म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब क्या होगा, जब यहां आरएनए बन रहा होगा तो यहां पर हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब ए टी सी और जी नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, इनमें चेंज आने की वजह से ये आरएनए में चेंज आ जाएगा। अब ये क्या बला है या ये क्या चीज है, इसको हम समझ लेते हैं। ये अभी डिटेल में नहीं जाना, सिक्स चैप्टर में एटीसीजी डिटेल में आने वाला है। तो सिंपल समझते हैं, म्यूटेशन का मतलब डीएनए में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, उसकी वजह से आरएनए में चेंज आ जाएंगे। आरएनए में चेंज आने की वजह से प्रोटीन में चेंज आ जाएगा। प्रोटीन में चेंज आ गया तो प्रोटीन से मान लो एंजाइम बन रहा है, तो इस एंजाइम में भी क्या आ जाएगा, दिक्कत आ जाएगी। बात समझ में आ रही है, किस तरीके से डीएनए में एक सीक्वेंस बिगड़ेगा। ये सीक्वेंस पाए जाते हैं डीएनए के अंदर, इन सीक्वेंस में अगर कोई गड़बड़ी आएगी तो आरएनए में गड़बड़ी आएगी, आरएनए में गड़बड़ी आएगी तो प्रोटीन में गड़बड़ी आएगी, प्रोटीन में गड़बड़ी आएगी तो एंजाइम में गड़बड़ी आ जाएगी। और इसी का नाम क्या दे दिया गया है, म्यूटेशन। क्लियर, तो समझते हैं क्या कह रहा है। बाय म्यूटेशन इन जीन्स दैट कोड्स फॉर द एंजाइम, जीन में म्यूटेशन आ गया, गड़बड़ी आ गई कुछ जीन में, उस वाले जीन में जो अल्टीमेटली एक एंजाइम बना रहा है, कौन सा एंजाइम, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। अब बात समझ में आ रही है, ठीक है। सिंगल जीन म्यूटेशन यानी कि एक चीज में किसी एक पैटर्न में चेंज आता है तो उसको सिंगल जीन म्यूटेशन कहा जाता है, समझेंगे उसे अभी। दिस मैनिफेस्ट इटसेल्फ थ्रू फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन कैरेक्टराइज्ड बाय मेंटल रिटार्डेशन। अब देखो जरा क्या है कि इस जीन में गड़बड़ी आई तो ये वाले एंजाइम में गड़बड़ी आ गई। अब ये एंजाइम अपना काम नहीं कर पा रहा, ये एंजाइम अपना काम नहीं कर पा रहा, ठीक है ना। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थ्रू, अब ये कैसे पता चल रहा है कि ये एंजाइम अपना काम नहीं कर रहा है, कैरेक्टराइज बाय मेंटल रिटार्डेशन एंड रिडक्शन इन हेयर एंड स्किन पिगमेंट। अब देखो जरा, ये जीन कितनी चीजें कंट्रोल कर रहा था, हमारी मेंटल हेल्थ को अच्छी रख रहा था, ठीक है, हमारे हेयर्स को ठीक रख रहा था, और स्किन में जो पिगमेंटेशन थी इसको भी कंट्रोल कर रहा था। इस जीन में जैसी दिक्कत आई, ये तीनों जो करेक्टर थे डिस्टर्ब हो गए, यानी कि एक जीन तीन तीन करेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। इस बीमारी से पता लगा ये बात, ठीक है ना। बच्चे समझ नहीं पाता कि ये डिजीज से कैसे पता चल रहा है, इसको ऐसे समझना है। ये जीन अगर सही होता तो तीन करेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, हमारे स्किन को, हमारे हेयर को, और हमारी मेंटल हेल्थ को। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो ये उल्टा उल्टा चल रहा है यहां पर, ये डिजीज से समझाने की कोशिश कर रहा है कि अगर ये जीन डिफेक्ट होता तो तीन चीजों में डिस्टर्बेंस आती है। इसका मतलब ये सिंगल जीन तीन करेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। बात क्लियर हो गई, पिछले टॉपिक क्लियर, चले आगे। ओके, आगे देखते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन, द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। अब इसमें बहुत से लोग जानते होंगे एक्स वाई वाला कॉन्सेप्ट जो ह्यूमन से पाया जाता है, उसके अलावा भी हम यहां पर थोड़ा सा कुछ और भी पढ़ेंगे। तो आप समझते हैं, द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन हैज ऑलवेज बीन अ पजल बिफोर द जेनेटिक्स। जेनेटिक्स से पहले सेक्स डिटर्मिनेशन एक पहेली की तरह था कि क्या है क्या नहीं है करके। अब उस पहेली पे हम नहीं जाएंगे, उसकी बहुत सारी पुरानी फिलोसफीज वगैरह हैं। द इनिशियल क्ल्यू अबाउट द जेनेटिक अब्लिक क्रोमोसोमल मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन कैन बी ट्रेस्ड बैक टू सम ऑफ द एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट इन इंसेक्ट, ठीक है। अब ये कहानी बता रहा है, यहाँ कहानी में कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, ना नीट में, ना एग्जाम में की हिस्ट्री क्या थी, कहां से क्वेश्चन आएगा मैं मार्क करके बताऊंगा, ठीक है। तो बात क्या समझ में आ गई, जेनेटिक्स से पहले सेक्स डिटर्मिनेशन एक पहेली था, ठीक है। ये पहेली का शुरुआत कहां से हुई सुलझाने की, कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए किसके ऊपर, इंसेक्ट के ऊपर, ठीक है। इनफैक्ट द साइटोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, साइटोलॉजिकल मतलब सेल, सेल के अंदर के जो ऑब्जर्वेशन मेड आ नंबर ऑफ इंसेक्ट, जो साइटोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन किए हमने किसके ऊपर, कई सारे इंसेक्ट के ऊपर, लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट। उन एक्सपेरिमेंट ने एक कॉन्सेप्ट डेवलप करने में हेल्प करी,
कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक अब्लिक क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। अल्टीमेटली कहानी पूछी जाती है कि सेक्स डिटर्मिनेशन का कॉन्सेप्ट किसके ऊपर से पैदा हुआ, तो किसके ऊपर से मतलब किनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके हमने सेक्स डिटर्मिनेशन का कॉन्सेप्ट निकाला, इंसेक्ट्स के ऊपर। किसके ऊपर? इंसेक्ट के ऊपर। पहला क्वेश्चन ये अराइज हो सकता है यहां से, ठीक है, इंसेक्ट की वजह से, इंसेक्ट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जिसने हमें एक कॉन्सेप्ट लेने में हेल्प करी कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो जेनेटिक या क्रोमोसोमल बेसिस होता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे आते हैं। हैंकिंग, ये नाम याद रखेंगे, ईयर याद रखेंगे 1891, कुड ट्रेस, ट्रेस मतलब फाइंड करना, अ स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ऑल थ्रू स्पर्मेटोजेनेसिस इन फ्यू इंसेक्ट। हैंकिंग ने कुछ ढूंढा, एक खास न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, कौन सा स्ट्रक्चर बात कर रहे हैं अभी उसके, ऑल थ्रू द स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? स्पर्म का फॉर्मेशन। चैप्टर नंबर किसमें पढ़ा है हम लोगों ने? चैप्टर नंबर फोर में, है ना, फोर नहीं सॉरी थर्ड में, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या पढ़ा था? स्पर्मेटोजेनेसिस। अब मत कहना सर इसको समझा दो, पॉज करो जाके पढ़ो जाकर के इसको, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। ये ठीक है, ऑल थ्रू स्पर्मेटोजेनेसिस इन फ्यू इंसेक्ट, कुछ इंसेक्ट में उसने क्या किया, स्पर्मेटोजेनेसिस देखी और उसके अंदर न्यूक्लियर के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर कुछ खास स्ट्रक्चर दिखाई पड़ा। एंड इट वॉज ऑल्सो ऑब्जर्व बाय हिम दैट, और उसने एक और चीज क्या नोटिस करी, 50% ऑफ द स्पर्म रिसीव दिस स्ट्रक्चर आफ्टर स्पर्मेटोजेनेसिस, कि 50% ऑफ स्पर्म रिसीव कर रहे थे इस स्ट्रक्चर को आफ्टर स्पर्मेटोजेनेसिस। अब ये स्ट्रक्चर क्या है कोई अभी जिक्र नहीं दे रहा इसका, ठीक है, बात करेंगे अभी इसके बारे में। वेयर एज अदर 50% स्पर्म डिड नॉट रिसीव इट, दो बातें उसने ऑब्जर्व करी, न्यूक्लियस के अंदर एक खास स्ट्रक्चर स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान, और ये स्ट्रक्चर 50% स्पर्म में पाए जा रहे थे, 50% स्पर्म में नहीं पाए जा रहे थे। ठीक है, हैंकिंग गेव अ नेम टू दिस स्ट्रक्चर एज एक्स बॉडी, इस स्ट्रक्चर का नाम उसने क्या दिया, एक्स बॉडी। तो यहां से कई सारे क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं बच्चों, देखो कि हैंकिंग ने क्या ढूंढा था, एक्स बॉडी ढूंढी थी, कहां पाई जाती थी एक्स बॉडी, ये न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर पाया गया था, किसके अंदर देखा था, इंसेक्ट के अंदर देखा था, ठीक है ना। कितने परसेंट स्पर्म के अंदर एक्स बॉडी पाई गई, 50% स्पर्म के अंदर एक्स बॉडी पाई गई, क्लियर है। बट ही कुड नॉट एक्सप्लेन इट सिग्निफिकेंस, बट वो इसकी इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस मतलब उसकी इंपॉर्टेंस, उसका महत्व नहीं समझा पाया वो। एक बात खत्म हो गई, यहां पर हैंकिंग की चीजें आई और खत्म हो गई। आगे आते हैं, फर्दर इन्वेस्टिगेशन बाय अदर साइंटिस्ट, हैंकिंग की बात खत्म हो गई, अब चलते हैं अदर साइंटिस्ट के पास। लेड टू द कंक्लूजन दैट, कुछ साइंटिस्ट ने और इन्वेस्टिगेट किया और एक कंक्लूजन फाइंड आउट किया, एक्स बॉडी ऑफ हैंकिंग वॉज इनफैक्ट अ क्रोमोजोम। एक्स बॉडी एक्चुअल है क्या? एक्स बॉडी कुछ और नहीं है, क्रोमोजोम है, क्लियर है। एंड दैट इज वाई इट वॉज गिवन द नेम एक्स क्रोमोजोम। और अल्टीमेटली जो एक्स क्रोमोजोम आज हम लोग देख पा रहे हैं उसके पीछे किनका हाथ है? हैंकिंग जी का हाथ है, ठीक है ना। दैट इज वाई इट वॉज नेम गिवन एक्स क्रोमोजोम। कहानी समझ में आ रही है? ठीक है। इट वॉज ऑल्सो ऑब्जर्व दैट इन अ लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट, ये और एक चीज देखी गई कि ज्यादातर इंसेक्ट के अंदर मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज ऑफ द एक्स ओ टाइप। इंसेक्ट के अंदर जो सेक्स डिटर्मिनेशन की मैकेनिज्म थी वो एक्सो टाइप थी, दैट इज ऑल एक्स बियर एन एडिशनल एक्स क्रोमोजोम बिसाइड द अदर एक्स क्रोमोजोम। ठीक है, अच्छा देखो यहां साफ साफ यहां पे दो बातें और क्लियर हो रही हैं, ऑल एक्स बियर एन एडिशनल एक्स क्रोमोजोम बिसाइड द अदर क्रोमोजोम, जो अदर क्रोमोजोम है ठीक है ना, उनको नाम क्या दिया गया, ऑटोजोम। ऑटोजोम मतलब वो वाले क्रोमोजोम जो सेक्स क्रोमोजोम नहीं होते हैं। बात समझ में आ गई? क्रोमोजोम को दो पार्ट में तोड़ा गया है, सेक्स क्रोमोजोम एक्स वाई जो होते हैं हमारे, और एक क्या हो गए, ऑटोजोम्स, उनके अलावा जो हैं उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, ऑटोजोम। तो ऑटोजोम ये नाम आ गया यहां पर, ठीक है, छुपा हुआ है कि क्या होते हैं। ओके, अब क्या कह रहा है, ऑन द अदर हैंड सम ऑफ द स्पर्म बियर एक्स क्रोमोजोम वेयर एज सम डू नॉट। ये बात तो हैंकिंग ने बोल दी थी, एग फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म हैविंग एन एक्स क्रोमोजोम बिकम फीमेल। अब देखो कहानी फिर से पीछे चलते हैं थोड़ा सा, क्या कह रहा है, दैट इज ऑल एग। अब बच्चों यहां देखो थोड़ी सी कंफ्यूजन है, एग मतलब किसकी बात हो रही है, फीमेल की, है ना, एग हमेशा किसे जुड़ा रहता है, फीमेल से जुड़ा रहता है। एग बियर एन एडिशनल क्रोमोजोम, यहां बात छुपी हुई है, यानी कि क्या बात हो गई है, ठीक है, जो फीमेल होती है उसके पास क्या होने वाला है, एक्स और एक्स, यही तो लाइन का मतलब हो गया,
कि एग के पास एक और एक्स होता है और एग किसके पास होता है, फीमेल के पास। अब क्या कह रहा है, ऑन द अदर हैंड सम ऑफ द स्पर्म बियर एक्स क्रोमोसोम व्हेयरएज सम डू नॉट, ठीक है, सम ऑफ द स्पर्म बियर एक्स क्रोमोसोम व्हेयरएज सम डू नॉट। कुछ जो स्पर्म्स होते हैं उनके पास क्या होता है, एक्स क्रोमोसोम होता है और कुछ के पास नहीं होता है। स्पर्म की बात कर रहा है, कंफ्यूज मत करना, ठीक है। यानी कि एक बात क्लियर हो गई है, मैं तुम्हें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कहना क्या चाहता है ये। इंसेक्ट में क्या होता है, जैसे हमारा मेल में एक्स वाई रहता है ना, इंसेक्ट में या तो एक एक्स होगा या कुछ भी नहीं होता है, कोई क्रोमोसोम है ही नहीं, किसके लिए, सेक्स के लिए। यानी कि जो मेल होते हैं ना उनमें कोई भी, तो उसको हम लोग किससे जनरेट करते हैं, जीरो से एक्चुअली। तो जीरो शब्द आजकल क्या बन गया, ओ बन गया, ये बात समझ में आ गई है। तो यहां हम कह सकते हैं इंसेक्ट में जो मेल होता है उसके पास एक क्रोमोसोम होता है, फीमेल के पास दो क्रोमोसोम होते हैं। बात समझ में आ गई, एक्स और ओ। अब देखो जब ये मेल क्या करेगा, स्पर्म बनाएगा, तो 50% स्पर्म एक्स होंगे उसके पास और 50% के पास कुछ नहीं था, जीरो। यही तो बात इसने यहां पे कह दी थी कि एक्स बॉडी किससे मिल रही थी, 50% दिखाई दे रही थी, 50% दिखाई नहीं दे रही थी। बात समझ में आई। तो हमारी बॉडी में, ह्यूमंस में तो एक्स और वाई दोनों होते हैं, लेकिन इंसेक्ट में जिसके पास एक एक्स होता है वो मेल बन जाता है, जिसके पास दो एक्स होते हैं वो फीमेल बन जाती है। क्लियर है बातें, तो यहां से ये बात क्लियर हो गई होगी। अब आगे चलते हैं, एग फर्टिलाइज बाय स्पर्म हैविंग एक्स, जिस स्पर्म के पास एक्स है अगर एग उससे फर्टिलाइज होगा तो वो फीमेल बन जाता है। एंड दोस फर्टिलाइज बाय स्पर्म विच डू नॉट हैव एक्स क्रोमोसोम, जो यारे फीमेल एक्स के साथ, मान लो यहां से भी क्या बन रहे हैं, एक्स और एक्स फीमेल में, अगर इन दोनों का फ्यूजन होता है तो ये क्या बन जाएगा, मेल। इन दोनों का होता है एक्स एक्स, तो ये क्या बन जाएगा, फीमेल बन जाएगी। क्लियर है, दोस फर्टिलाइज बाय स्पर्म डू नॉट हैव एक्स क्रोमोसोम बिकम मेल्स। Do you think the number of chromosome in the male and female are equal? क्या तुम ये सोचते हो कि number of chromosome male और female में equal होंगे? तो obviously बात है, male के अंदर एक chromosome तो है ही नहीं, हमारे अंदर एक है तो कम से कम Y नाम का, यहाँ पे तो है ही नहीं, तो एक के अंदर कम होगा, एक के अंदर ज्यादा होगा। क्लियर है बातें, ओके। इन द डिटर्मिनेशन, ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्स क्रोमोसोम इन द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, इट वॉज डेजिग्नेटेड टू बी द सेक्स क्रोमोसोम। इसको हम लोग क्या नाम दे दिया, सेक्स क्रोमोसोम, क्योंकि एक्स की वजह से ही हम लोग सेक्स को डिटरमाइन कर पा रहे थे, सेक्स डिटरमाइन करवा रहे थे एक्स की वजह से, तो इसको हमने नाम क्या पड़ गया, एक्स का सेक्स क्रोमोसोम, जो मैंने बताया था अभी ऊपर, क्या नाम पड़ा है ये, सेक्स क्रोमोसोम। और सेक्स क्रोमोसोम को छोड़ के बाकी के क्या कहलाते हैं, ऑटोसोम्स कहलाते हैं। एंड द रेस्ट ऑफ द क्रोमोसोम्स वर नेम्ड एज ऑटोसोम, देखो नाम आ गया ऑटोसोम, सेक्स क्रोमोसोम को छोड़ के। यानी कि अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं, टोटल कितने हैं, 46 में से 44 क्या कहलाएंगे, ऑटोसोम्स, और बाकी के दो एक्स और वाई क्या कहलाएंगे, सेक्स क्रोमोसोम। क्लियर है बातें, ओके। अब बात करते हैं यहां पर इंसेक्ट, उधर इंसेक्ट का जनरल कॉन्सेप्ट हो गया, ग्रास हॉपर की बात कर लें। ग्रास हॉपर इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोटाइप, इंसेक्ट है ना ग्रास हॉपर, आर्थ्रोपोडा में आता है इंसेक्ट है, ठीक है ना, ये किस टाइप का एक्सोटाइप है ना। यानी कि अब देखो ध्यान से, हमारी अगर ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमंस में फीमेल में क्या होता है एक्स एक्स, और मेल में क्या होता है एक्स वाई। तो हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन, जिस किसी भी स्पीसीज में दो डिफरेंट टाइप के सेक्स पाए जाएंगे, मेल में या फीमेल में फर्क नहीं पड़ता, हम उसी हिसाब से उसका नेमिंग कर देते हैं। ह्यूमंस में एक्स वाई बोलते हैं, इंसेक्ट में क्या बोल दिया, एक्सो बोल दिया। क्लियर है, ओके। इन विच द मेल्स हैव ओनली वन एक्स क्रोमोसोम बिसाइड द ऑटोसोम, ऑटोसोम के अलावा उसके पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है, वेयर एज फीमेल हैव अ पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम। क्लियर है, तो साफ साफ दिख रहा है मेल के अंदर एक क्रोमोसोम की कमी रहेगी। क्लियर है, आगे आते हैं। अब क्या कह रहा है, दीज ऑब्जर्वेशन, इन ऑब्जर्वेशन ने लेड टू द इन्वेस्टिगेशन ऑफ नंबर ऑफ स्पीसीज टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। अब ये जो इंसेक्ट का मिल गया था, तो अब साइंटिस्ट लोगों को तो पता ही है, एक मिल गया कॉन्सेप्ट, अब वो सबके पीछे पड़ गए कि हम सबका जानेंगे, है ना, ये तो इंसेक्ट की बात थी, गधे घोड़े बैल खच्चर सबका जानेंगे, तो ठीक है। इन अ नंबर ऑफ अदर इंसेक्ट एंड मैमल्स, अब मैमल्स की बात आ गई है ना, मैमल्स मतलब स्तनधारी जीव जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, इंक्लूडिंग मैन, एक्स वाई टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन इज सीन वेयर बोथ मेल एंड फीमेल है सेम नंबर ऑफ क्रोमोजोम। देखो साफ साफ स्पष्ट कर दिया इसने, मेल फीमेल के पास नंबर ऑफ क्रोमोजोम सेम होंगे, यानी कि जैसे हमारे मेल में कितने होते हैं 46 और फीमेल में भी कितने होते हैं 46 इन ह्यूमंस। तो यह साफ साफ कह रहा है, बाकी में जब ढूंढने की कोशिश की गई तो जो इंसान थे उसके अंदर क्या मिले, एक्स वाई टाइप का मिला, ठीक है ना, मैमल्स के अंदर, और उनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेल फीमेल में सेम थे।
अमंग द मेल एंड एक्स क्रोमोसोम इज प्रेजेंट बट इट्स काउंटर पार्ट इज डिस्टिंक्टली स्मॉलर एंड कॉल्ड वाई क्रोमोसोम। तो एक क्वेश्चन यहां से क्रिएट हो जाएगा कि बताओ वाई क्रोमोसोम जो होता है मैमल्स के अंदर वो छोटा होता है कि एक्स क्रोमोसोम छोटा होता है। तो साफ साफ लिखा हुआ है इसका जो काउंटर पार्ट होता है डिस्टिंक्टली स्मॉलर, यानी साफ साफ देख सकते हैं छोटा होता है। फीमेल्स हाउएवर, हालांकि फीमेल के अंदर हैव अ पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम, उसके अंदर दोनों एक्स क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। बोथ मेल एंड फीमेल्स बियर सेम नंबर ऑफ ऑटोजोम, उनके अंदर ऑटोजोम सेम होते हैं। ऑटोजोम मतलब बाकी के जो क्रोमोसोम होंगे वो, यानी कि बता रहा था यहां पर कितने होंगे 44 और 44 दोनों में पाए जाएंगे। क्लियर है, आगे आते हैं। हैंस द मेल हैव ऑटोजोम प्लस एक्स वाई, मेल के पास क्या हो जाएंगे 44 प्लस एक्स वाई, और फीमेल के पास क्या होंगे 44 प्लस एक्स एक्स, सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। व्हाइल फीमेल हैव ऑटोजोम प्लस एक्स एक्स इन ह्यूमन बीइंग्स एंड इन ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला कहां पड़ा था याद है, फ्रूट फ्लाई, द मेल्स हैव वन एक्स एंड वन वाई क्रोमोसोम वेयर एज फीमेल हैव अ पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम। देखो इसने इस बार ह्यूमन और ड्रोसोफिला को कंबाइन बता दिया यहां पर। तो ड्रोसोफिला के अंदर भी कैसा चल रहा है, ह्यूमन जैसा चल रहा है, ठीक है, ऑटोजोम के अलावा। फिगर 5.2 ए एंड बी, तो यहां पर इसने दे दिया फिगर 5.2 5.12, ठीक है, ए एंड बी। तो यहां पर हम साफ साफ देख सकते हैं ये मेल है एक्स वाई और ये फीमेल है एक्स एक्स, दोनों बराबर है, इसमें एक छोटा है इस तरीके से, इसमें भी वाई क्या है छोटा है। क्लियर है, आगे आते हैं। अब ये क्या कह रहा है, इन द अबव डिस्क्रिप्शन यू हैव स्टडीड अबाउट द टू टाइप्स ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन मैकेनिज्म, ऊपर तुमने दो टाइप के सेक्स डिटरमिनेशन मैकेनिज्म समझी, एक एक्सोटाइप किसमें पाई गई थी इंसेक्ट में ग्रासहॉपर में, और एक एक्स वाई टाइप किसमें पाई गई ड्रोसोफिला में और ह्यूमन में, यानी मैमल्स और ह्यूमन ड्रोसोफिला में। बट इन बोथ केसेस मेल प्रोड्यूस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स, दोनों ही केसेस में मेल जो टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस कर रहा था, साफ साफ हमको दिख रहा है ह्यूमन एक्स और वाई पैदा करता है और जो इंसेक्ट था उसमें एक एक्स वाला था और एक बिना एक्स वाला था, आइदर विद और विदाउट एक्स क्रोमोसोम, या तो उसके अंदर एक्स क्रोमोसोम होगा या नहीं होगा। ऑब्वियसली बात है ह्यूमंस में एक में एक्स क्रोमोसोम होता है मेल और दूसरा वाई होता है, और इंसेक्ट में एक में एक्स था और एक में कुछ भी नहीं था। तो साफ साफ लिखा है जो दो टाइप के गैमेट्स पैदा होंगे उसमें या तो एक एक्स क्रोमोसोम होगा या नहीं होगा, और बी सम गैमेट्स विद एक्स क्रोमोसोम एंड सम विद वाई क्रोमोसोम, ये किसमें पाया जाएगा मैमल्स में, ये किसमें पाया जाएगा जो इंसेक्ट ग्रासहॉपर की बात हो रही है। क्लियर है बातें, तो क्वेश्चन यहां से आ सकता है क्या मेल बिना क्रोमोसोम का गैमेट पैदा करता है, तो यस किसका आंसर आ जाएगा ग्रासहॉपर आ जाएगा, उसमें क्या है बिना क्रोमोसोम के ही मेल गैमेट पैदा हो रहा है बन रहा है। सच टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन मैकेनिज्म इज डेजिग्नेटेड टू बी एग्जांपल ऑफ मेल हिट्रोगेमी, हिट्रो मतलब डिफरेंट डिफरेंट, गैमी मतलब गैमेटी मतलब गैमेट, है ना, जैसे हम लोग क्या पढ़ा था होमोजाइगस हेटरोजाइगस पढ़ा था वैसे ही मेल हिट्रोगेमी, यहां पर मेल के अंदर टू डिफरेंट टाइप के गैमेट्स बनते हैं, तो कहा गया मेल हिट्रोगेमी, मेल के द्वारा दो डिफरेंट टाइप के गैमेट्स बनना, यानी कि मेल फीमेल का बनना मेल के ऊपर डिपेंड है, फीमेल की इसमें कोई भी जिम्मेदारी नहीं है, फीमेल तो अपने एक्स एक्स बनाएगा, अब मेल का कौन सा गैमेट जाकर के फीमेल के गैमेट से फ्यूज करेगा डिपेंड करेगा कि जो बच्चा होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा। क्लियर है, मेल हिट्रोगेमी मार्क कर लेंगे इसको, आगे आए। इन सम अदर ऑर्गेनिज्म, कुछ दूसरे ऑर्गेनिज्म में एग्जाम्पल बर्ड, अब देखो यहां बर्ड्स की बात आ रही है, मार्क करेंगे बर्ड्स की बात स्टार्ट हो गई है। अ डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन इज ऑब्जर्व्ड, एक अलग टाइप का मैकेनिज्म देखा गया, फिगर 5.12C, देखो यहां पर सी की बात करें तो यहां पर क्या समस्या है, देखो ये क्या है मेल का सिंबल है, मेल के अंदर जेड जेड दोनों सेम है लेकिन फीमेल के अंदर दो अलग है, यहां पे फीमेल हिट्रोगैमेटी हो जाएगी, बात समझ में आ गई, यानी कि यहां फीमेल डिसाइड करेगी बच्चा मेल होगा या फीमेल होगा, बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो एक अलग टाइप का देखने को मिला, इन दिस केस द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज सेम इन बोथ मेल एंड फीमेल, देखो यहां पे भी साफ है नंबर ऑफ क्रोमोसोम अब यहां पे भी सेम है, तो क्वेश्चन आ जाएगा तुम्हारे पास, बताओ यहां से एक जनरल क्वेश्चन अराइज हो जाएगा, बताओ किसके अंदर, तीन एग्जांपल देगा, चार मैमल्स, ठीक है, बर्ड और ड्रोसोफिला दे देगा, देखो ड्रोसोफिला दे रहा बहुत जबरदस्त तरीके से कंफ्यूज करेगा तुमको ये ड्रोसोफिला, फिर दे देगा ग्रास हॉपर, ठीक है, बच्चे कहेगा क्वेश्चन बाहर से आ गया, अब वो कहेगा बताओ ऐसा कौन सा है जिसकी मेल फीमेल में दोनों में इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम नहीं पाए जाते हैं, अब कहेगा बच्चा कि ये कहां से आ गया क्वेश्चन, अरे यही तो मेंशन किया था ग्रास हॉपर में
मेल के पास एक्स जीरो होता है यानी कि एक नहीं होता है ना, तो क्लियर हो गया यहां से, है ना। अब ये क्वेश्चन कैसा लग रहा है, आउट ऑफ कोर्स लग रहा है, यही क्वेश्चन निकलते हैं, बात समझ में आ रही है। ठीक है, आगे आते हैं। यहाँ पे साफ साफ कह दिया नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज सेम इन बोथ मेल एंड फीमेल, इसलिए स्पष्ट करता चल रहा बातों को, बट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स इन टर्म्स ऑफ सेक्स, सेक्स के टर्म में बात करेंगे तो दो डिफरेंट टाइप के गैमेट्स बनते हैं। सेक्स क्रोमोसोम आर प्रोड्यूस्ड बाय फीमेल, बर्ड्स के अंदर फीमेल, तो एग्जाम्पल नोट कर लेंगे, क्या क्या एग्जाम्पल पढ़ लिया हम लोगों ने अभी तक, यहाँ पे क्या पाई गई है, फीमेल हेटरोगैमेटी, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ, ऐसे बोल देगा, फीमेल हेटरोगैमेटी किस किस में पाई जाती है, ठीक है, यहां लिखेगा मैमल्स, ग्रास हॉपर, ड्रोसोफिला और बर्ड, लिख दिया उसने, लो चार, अब ढूंढते रहो आगे क्वेश्चन इस टाइप से, ठीक है ना। फिटर फीमेल किस में पाई जाएगी, बर्ड्स के अंदर। इन ऑर्डर टू हैव डिस्टिंक्शन विद द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन डिस्क्राइब्ड अर्लियर, द टू डिफरेंट सेक्स क्रोमोसोम ऑफ फीमेल बर्ड हैज बीन डेजिग्नेटेड एज जेड एंड डब्ल्यू। अब क्योंकि हमें थोड़ा सा चेंज करना था तो हमने यहां पर फीमेल हेटरोगैमेटी में जेड डब्ल्यू नाम दे दिया, सिंपल सी बात, हम चाहते थे कुछ अलग सा दिखे, ठीक है, और कुछ नहीं। यहां पर इन दीज ऑर्गेनिज्म द फीमेल हैव वन जेड एंड वन डब्ल्यू क्रोमोसोम, वेयर एज मेल्स हैव जेड एंड जेड क्रोमोसोम बिसाइड द ऑटोसोम, ठीक है, मेल के पास दो जेड होंगे और फीमेल के पास जेड और डब्ल्यू होगा, क्लियर है बात ये। तो सेक्स डिटरमिनेशन तो हम समझ सकते हैं चार टाइप की, तीन टाइप की होगी हमारे पास, कौन कौन सी हो गई, एक्स ओ एक्स वाई, तीन टाइप की होती थी, क्या है, जेड डब्ल्यू, ठीक है ना। ये किसे मिलेगी, बर्ड्स में, इंसेक्ट में, मैमल्स में, मैमल्स के साथ साथ ये मैमल्स, और याद रखना साथ साथ में ड्रोसोफिला साथ में दे रखा है, फिर कंफ्यूज कर जाओ, ठीक है ना, क्लियर है बातें, इस तरह से इसका ये बन जाएगा। आगे आते हैं, ह्यूमंस की बात कर लें तो ह्यूमंस में क्या कहानी चल रही है, कुछ चीज समझने वाली जो याद करने वाली, जिसका क्वेश्चन आ सकता है। इट हैज ऑलरेडी बीन मेंशन्ड, ये मेंशन किया जा चुका है, दैट द सेक्स डिटरमाइनिंग मैकेनिज्म इन केस ऑफ ह्यूमन इज एक्स वाई टाइप, ठीक है, हमें पता है। आउट ऑफ 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट, 22 पेयर्स आर एग्जैक्टली सेम इन बोथ मेल एंड फीमेल, 22 तो क्या होते हैं, सेम होते हैं, दीज आर द ऑटोसोम, जो सेम है उनको हम लोग क्या बोल दिया, ऑटोसोम। अ पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन फीमेल, फीमेल के अंदर क्या होगा, पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है, ठीक है, सारी कहानी रिपीट होती है, यहाँ पे अभी कुछ मार्क नहीं करना, कुछ खास नहीं है, सब पुरानी बातें चल रही है। वेयर एज द प्रेजेंस ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम आर डिटरमिनेंट ऑफ द मेल कैरेक्टरिस्टिक, एक्स और वाई क्रोमोसोम किसका डिटरमिनेंट है, मेल कैरेक्टरिस्टिक का। ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस, अब फिर आ गया स्पर्मेटोजेनेसिस, मैंने कहा ना अगर नहीं समझ में आ रहा है या भूल गए हो तो पीछे जाके वापस से याद करो। अमंग मेल टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर प्रोड्यूस, 50% ऑफ द टोटल स्पर्म प्रोड्यूस कैरी एक्स क्रोमोसोम एंड फ्रेश 50% कैरी वाई क्रोमोसोम बिसाइड्स द ऑटोसोम, ऑटोसोम के अलावा क्या क्या होता है, 50% एक्स और 50% वाई। तो हम कह सकते हैं जब स्पर्मेटोजेनेसिस हुआ, यानी मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाऊं स्पर्म का, तो यहां पर क्या होगा, एक एक्स प्लस 22 प्लस एक वाई प्लस 22, है ना, 50% एक्स 50% वाई, उसमें 22 ऑटोसोम 22 ऑटोसोम, जब स्पर्मेटोजेनेसिस हो गई है, क्लियर है। फीमेल हाउएवर प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ ओवम विद एन एक्स क्रोमोसोम, वो एक ही टाइप का ओवम बनाती है, उसके पास एक्स क्रोमोसोम होता तो फर्क नहीं पड़ता। There is an equal probability of fertilization of ovum with sperm carrying X or Y chromosome. ये लाइन वो लोग बच्चे अच्छे से समझें और समझाएं अपने घर वालों को भी, साफ साफ लिखा हुआ है। There is an equal probability of fertilization of a ovum. यानी कि फीमेल के अंदर क्या है, एक ओवम है, उसके अंदर क्या है, X. ये X कहाँ मौजूद है, कहाँ मौजूद है, फेलोपियन ट्यूब में, है ना, फेलोपियन ट्यूब पता है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। अब मेल ने जो स्पर्म छोड़ दिए हैं, मेल ने जो स्पर्म छोड़े भाई, मेल ने, मेल के पास जो स्पर्म बने हैं, ठीक है, 50% ये होते हैं और 50% ये होते हैं। अब ये स्पर्म जब फीमेल बॉडी के अंदर जाते हैं तो कोई गारंटी नहीं है कौन जाके फ्यूज करेगा, डिपेंड करता है कौन सा स्पर्म तेजी से आगे बढ़ता हुआ, एक्स वाला या वाई वाला, जो पहले फ्यूज कर जाएगा बच्चा वही होगा, मेल या फीमेल। तो बात समझ में आ रही है, यहां पर फीमेल की कोई भी गलती नहीं होती है, बल्कि नेचर है, तो 50% चांस है हर बारी, ऐसा नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ दो लड़कियां हो गई अब तीसरा लड़का हो जाएगा, ऐसा नहीं है, तीसरी बार भी संभावना लड़की होने की बराबर है, क्योंकि जो स्पर्म रिलीज कर दिए गए हैं फीमेल की वेजाइना में, उनके पास इक्वल क्या होती है, स्पीड होती है, और एक साथ जो ओवम होता है ना, चैप्टर नंबर 4 में हम लोगों ने देखा था इस चीज को,
एक साथ बहुत सारे स्पर्म इस ओवम को क्या करते हैं, जाके चिपकते हैं। फिर कौन सा पहले रिलीज होकर के फर्टिलाइज कर जाएगा, उसके हिसाब से क्या होगा, मेल और फीमेल हमारा डिसाइड होता है। क्लियर है ये बात? ठीक, आगे आते हैं। इन केस द ओवम फर्टिलाइजेस विद स्पर्म कैरिंग एक्स, कह रहा अगर एक्स से फर्टिलाइज होगा, द जायगोट डेवलप इनटू फीमेल एंड फर्टिलाइजर ऑफ ओवम विद वाई क्रोमोसोम, द जायगोट क्या बन जाएगा, मेल बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पर कुछ समझने वाली मतलब कुछ खास नहीं है, ये तो बातें पता ही होंगी। दस इट इज एविडेंट डेट, इसीलिए ये एविडेंट है डेट कि द जेनेटिक मेकअप ऑफ द स्पर्म डेट डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, ये सबूत है, एविडेंट मतलब कैसे होता है, प्रूफ, इट इज प्रूफ, ये सबूत है कि जेनेटिक मेकअप ऑफ स्पर्म, स्पर्म का जेनेटिक मेकअप होता है जो डिटरमाइन करता है सेक्स ऑफ चाइल्ड। ठीक है, तो किसी के हाथ में नहीं है कि बच्चा मेल होगा फीमेल होगा, किसके हाथ में कि स्पर्म एक्स वाला फर्टिलाइज कर रहा है या वाई वाला फर्टिलाइज कर रहा है, उसके हिसाब से डिसाइड होगा बच्चा मेल होगा या फीमेल होगा। आगे आते हैं, इट इज ऑल्सो एविडेंट डेट इन ईच प्रेगनेंसी देयर इज ऑलवेज 50% चांस। ये बड़ा क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, जैसे मैंने अभी बताया ऐसा क्वेश्चन देगा, एक क्वेश्चन की बताओ एक कपल है उसकी चार मेल है, मतलब मेल बच्चे हैं, या ऐसे देगा चार लड़कियां हैं, वो लेगा बताओ पांचवा बच्चा, अगर मान लो ये वाला क्वेश्चन है, सपोज चार लड़के हैं उसके, तो बताओ पांचवा बच्चा होगा क्या संभावना है कि वो लड़की होगा या लड़का होगा, और संभावना दे देगा नीचे 50% बोथ, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 90% चांस है, फिर लिखेगा कि गर्ल होगी, फिर लिखेगा इस तरीके से, तो बेवकूफ बना रहा है वो भाई। स्पर्म तो इस बार भी जो रिलीज हुए 50% एक्स 50% वाई, तो हर बार ही संभावना कितनी होती है 50%, लड़का लड़की होने की जितनी बार भी बच्चा होगा उतनी बार संभावना क्या है 50% ही है, लड़का हो सकता है लड़की हो सकती है। क्लियर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पहले कितने बच्चे हैं। क्लियर है बात? इट इज अनफॉर्चुनेट, अब क्या कह रहा है, ये दुर्भाग्यवश डेट इन अवर सोसाइटी, हमारी सोसाइटी में वुमेन आर ब्लेम, ब्लेम मतलब कोसना, फॉर गिविंग बर्थ टू फीमेल चिल्ड्रन, वुमेन को कोसा जाता है। ये एक दुर्भाग्यवश बात है कि हमारी सोसाइटी में एक फीमेल को कोसा जाता है कि लड़की तुमने पैदा कर दी, एंड हैव बीन ऑस्ट्रासाइज्ड एंड इल ट्रीटेड, उसका बहिष्कार करता है मतलब फैमिली वाले सास ससुर जो भी होता है, या इल ट्रीटेड बुरा व्यवहार किया जाता है बिकॉज ऑफ दिस फॉल्स नोशन। इफ नोशन मतलब जो एक दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ गया है गलत कि लड़की पैदा हुई तो उसकी गलती है, जबकि यहां पर ऐसा कॉन्सेप्ट क्या है, सबको अब तो क्लियर है एक तरह से कि लड़का लड़की पैदा होना मेल के हाथ में, बल्कि मेल के हाथ में भी नहीं है, उसने तो इक्वल अमाउंट में एक्स और वाई रिलीज किया है। अब ये तो आगे कुदरत है कि आगे जाके कौन सा वाला स्पर्म फर्टिलाइज करता है। क्लियर है बात ये? ओके, चलें आगे। अब आगे आते हैं सेक्स डिटरमिनेशन इन हनीबी। अच्छा, मैं एक चीज बता दूं, मैं जिन बच्चों के पास पुरानी एनसीईआरटी होगी, ये सारे टॉपिक ना पीछे वाले थे, मतलब बुक के एंड में होते थे, नई वाली एनसीईआरटी में ये सारे आगे आ गए हैं, तो जो बच्चे पुराने एनसीईआरटी से अगर पढ़ रहे हैं और टॉपिक नहीं मिल रहे हैं तो बुक के एंड में चले जाएं। पीलियोट्रॉपी, सेक्स डिटरमिनेशन इन हनीबी, ये सब बुक के एंड में मिलेंगे, ठीक है ना, और नई एनसीईआरटी है तो ओके है, अच्छी बात है। यहाँ पे अब देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ बड़ा हनीबी की बड़ी दिलचस्प कहानी है, उसके बाद एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है, मैं बताऊंगा अभी। चलो देखते हैं पहले बोल क्या रहा है, उसको समझ लेते हैं। कह रहा है द सेक्स डिटरमिनेशन इन हनीबी इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम एन इंडिविजुअल रिसीव, एक इंडिविजुअल के पास कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम आए उसके हिसाब से सेक्स डिटरमाइन होता है। ठीक है, फीमेल के पास 32 रहते हैं, मेल के पास आधे रहते हैं, यानी कि आधे क्रोमोसोम अगर होंगे तो वो वाला एग किसमें बदल जाएगा, मेल में। अगर दोनों 16-16 आ जाएंगे तो वो किसमें बदल जाता है, फीमेल पे। तो यहां पर एक्स वाई का चक्कर ही नहीं है, यहां किसका चक्कर है, यहां चक्कर है क्रोमोसोम के सेट का, कितने क्रोमोसोम आ गए। एन ऑफस्प्रिंग फॉर्म फ्रॉम द यूनियन ऑफ स्पर्म एंड एग डेवलप एज फीमेल। ठीक है, कह रहा है जिसके अंदर यूनियन हो जाएगा स्पर्म और एग का, तो वो तो किसमें बदल जाता है, फीमेल में, फर्क नहीं पड़ता उसमें, एक्स वाई का कोई झंझट ही नहीं है, बस मेल और फीमेल का आपस में क्रोमोसोम मिल जाए तो 16-16 32 हो जाएंगे। 16-16 कितने हो गए, 32। वो किसमें बदल गया, फीमेल में बदल गया, वो किसमें बदल गया, फीमेल में। चलो अच्छी बात, ठीक है। अब जो फीमेल होती है वो क्या होगी, क्वीन हो सकती है या वर्कर हो सकती है, मार्क करना, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यानी कि क्वीन और वर्कर के पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे, 32। ठीक है, एंड अनफर्टिलाइज्ड एग, ऐसा एग जो फर्टिलाइज ही नहीं हुआ, जिसको स्पर्म मिला ही नहीं, डेवलप एज अ मेल, जिसको हम ड्रोन कहते हैं, ठीक है, बाय मींस ऑफ पार्थेनोजेनेसिस। देखो यार टर्म पहले भी आ चुका है, पार्थेनोजेनेसिस, कन्वर्जन ऑफ एग
इनटू, यानी कि हम पहले उसमें पार्सन कार भी पड़ी थी है ना, कि ओवरी का कन्वर्ट हो जाना फ्रूट में विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो यहां पर जो एग है बिना फर्टिलाइजेशन के एक इंडिविजुअल में बदल जा रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पार्थेनोजेनेसिस। इसको कंपेयर करना है, लिख लो एक टर्म और, पार्थेनोजेनेसिस के साथ साथ पार्थेनोकार्पी, ये टर्म इस्तेमाल होता है बॉटनी में, पार्थेनोकार्पी याद आ गया होगा कुछ लोगों को, ठीक है। दिस मीन्स दैट द मेल्स हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोजोम। बात क्लियर कर स्पष्ट हो गई, मेल के पास नंबर ऑफ क्रोमोजोम कैसे रहते हैं, आधे रहते हैं देन दैट ऑफ फीमेल, क्लियर है। द फीमेल्स आर डायप्लॉयड, फीमेल्स कैसी हैं, डायप्लॉयड है हैविंग 32 क्रोमोजोम्स एंड मेल्स आर हैप्लॉयड दैट इज हैविंग 16 क्रोमोजोम। दिस इज कॉल्ड द हैप्लोडायप्लॉयड सेक्स डिटरमिनेशन सिस्टम, मार्क कर लेना इस चीज को बहुत अच्छे से। हैप्लोडायप्लॉयड सेक्स डिटरमिनेशन सिस्टम इज फाउंड इन हनी बी एंड हैज स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर सच एज द मेल प्रोड्यूस स्पर्म बाय माइटोसिस। ऑब्वियसली बात है, जो मेल होगा उसमें मियोसिस तो होगी नहीं, उसमें ऑलरेडी आधे क्रोमोजोम है, तो मियोसिस की जरूरत क्या है, मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोजोम क्या होते हैं, आधे हो जाते हैं, क्लियर है। मियोसिस क्या होती है, माइटोसिस, मियोसिस नहीं पता तो भैया पॉज कर लो वीडियो, चले जाओ क्लास 11th में। माइटोसिस में सेल डिवाइड होने के बाद इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोजोम के साथ रहता है, लेकिन मियोसिस में क्या होता है, अगर क्रोमोजोम नंबर 46 है ह्यूमन की बात बता रहा हूं, तो स्पर्म में कितने मिलेंगे 23, और माइटोसिस में 46 का किसमें बदलता है, 46 का 46 ही। तो अब ऑब्वियस बात है, यहां पे एक और चीज इंटरेस्टिंग आई, क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है, बताओ ऐसा कौन सा स्पीसीज है, नाम ले देगा, कि जिसमें मेल में तो माइटोसिस से गैमेट बन रहे हैं, फीमेल में मियोसिस से गैमेट बन रहे हैं। बना अच्छा क्वेश्चन ये, ठीक है। तो फीमेल में मियोसिस होगी क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम 32 है, मेल के अंदर माइटोसिस होगी गैमेट बनने के लिए, क्लियर है। फिगर 5.13, दे डू नॉट हैव फादर। हाँ देखो ये चीज एक आगे यहां पे दे दिया इन्होंने, अब क्या कह रहा है, किसके पास, दे डू नॉट हैव फादर एंड दस कैनॉट हैव सन्स बट हैव ग्रैंडफादर एंड कैन हैव ग्रैंडसन्स। अब कहानी को समझते हैं, क्वेश्चन क्या है यहां पर, इस कहानी को थोड़ा थीम लेते हैं हम लोग। वो पूछ रहा है कि जो मेल है कितने हैं, 16, फीमेल रही होगी पहले एक, ठीक है ना। अब वो जो फीमेल है, इसको थोड़ा सा और मैं छोटा करता हूं क्योंकि थोड़ा सा लेंथी जाएगा ये, बात को समझना, उस लाइन का मतलब क्या है, मेल के पास 16, अरे मेल बन कैसे गया, फीमेल के पास कितने होंगे, 32 होंगे, इसने मियोसिस करके 16-16 के एग बनाए होंगे, एक 16 पार्थेनोजेनेसिस से मेल में बदल गया। अब बताओ जरा मेरे को, ये मेल 16, यानी कि जब क्रोमोजोम प्रोड्यूस करेगा ये 16 और इसके साथ फीमेल का एक दूसरा 16 वाला जब कंबाइन कर जाएगा, तो ये वाला मेल क्या बेटा पैदा कर सकता है, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये मेल का 16 क्रोमोजोम पक्के से किससे मिलेंगे, फीमेल से, क्योंकि ये क्या है बना रहा है, स्पर्म बना रहा है। और पार्थेनोजेनेसिस किसमें होती है, एग में होती है, किसमें होती है, एग में, इसकी तो होगी नहीं, तो ये 16 जब भी 16 से मिलेंगे हमेशा क्या बनेगा, फीमेल, तो इसका तो बच्चा बेटा होना संभावना ही नहीं है, मेल का बच्चा नहीं हो सकता, मतलब बच्चा मतलब जैसे सन नहीं हो सकता, डॉटर हो सकती है, सन नहीं होगा। इस मेल के कोई पापा है क्या, नहीं है, फीमेल के एग से डायरेक्टली कन्वर्ट हो गया, लेकिन ये फीमेल किसी ना किसी फीमेल और मेल के कॉम्बिनेशन से बन के आई होगी, यानी कि इस वाले मेल के ग्रैंडफादर तो है भाई, कौन मौजूद है, ग्रैंडफादर, ये इसकी मम्मी, मम्मी के पापा ग्रैंडफादर, बात समझ में आ रही है। तो यही बात यहां लिखी हुई है जो बच्चा कई बार समझने में थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। दे हैव नॉट फादर, उनके पिताजी नहीं होते, देखा हमने यहां पर, इस मेल के पिताजी नहीं है, किसी भी मेल के नहीं होंगे, एंड दस कैनॉट हैव सन, और इसके सन भी नहीं हो सकते हैं क्योंकि इसके स्पर्म में पार्थेनोजेनेसिस नहीं होती है, पार्थेनोजेनेसिस एग में होती है, ठीक है ना। वरना तुम कहोगे सर वहां पे तो बदल तो गया था, तो फीमेल के अंदर होता है, मेल के अंदर नहीं होता है, ठीक है, ये कहां लाइन क्लियर होगी। फिर कह रहा है हाउ इज द सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म डिफरेंट इन बर्ड्स, कह रहा है सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म बर्ड्स में कैसे डिफरेंट है, इज द स्पर्म और एग रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ चिक्स, क्या, अब ये हम लोग पीछे जो हमने पढ़ा हुआ है उससे इसके आंसरिंग खुद कर लेना, इसमें हमने बर्ड के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था, वहां पे एक्स क्रोमोसोम थे तो वहां पर क्या है वो डिसाइड करते हैं, लेकिन हनीबी के अंदर ऐसा कोई झंझट नहीं है, उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम के हिसाब से डिसाइड हो जाता है,
क्लियर है बातें, चलें आगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है वो क्या टर्म है, म्यूटेशन। तो म्यूटेशन के बारे में थोड़ा सा मैंने जिक्र किया था, अभी और अच्छे से देख लेते हैं म्यूटेशन क्या होता है। तो कह रहा है यहां पर, तो थोड़ा सा म्यूटेशन बता दूंगा। म्यूटेशन का मतलब कुछ नहीं होता है, एक हल्का सा इसका ब्रीफिंग माइंड में कर लो। जो डीएनए होता है हमारा, जिनको स्ट्रक्चर का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, थोड़ा सा समझ लो। डीएनए में दो धागे होते हैं भाई, मूवी देखते हो ना स्पाइडरमैन या जितनी भी हॉलीवुड की मूवी आती है, उसमें इस टाइप से स्ट्रक्चर दिखाते हैं डीएनए का, और फिर दिखाते हैं कि डीएनए में चेंज आ रहे हैं। याद आ रहा कुछ है ना? तो ये दो जो स्ट्रैंड्स हैं, स्ट्रैंड मतलब धागे जो हैं, उसको मैंने ऐसे खोल के दिखा दिया। इनमें ना चार चीजों के सिक्वेंस होते हैं। चार चीजें क्या है? ए टी सी जी। अब ये क्या है, अभी इनके ऊपर मत जाना, इसको हम समझेंगे क्लास नेक्स्ट चैप्टर सिक्स में, है ना। ये एडेनाइन होता है, थायमिन, साइटोसिन, गुआनिन, है ना। ये सीक्वेंस चलता रहता है, रैंडम कोई भी सीक्वेंस ले लो, सी जी सी टी ए ए टी सी जी, ठीक है। ए के अपोजिट में हमेशा टी रहता है, टी के अपोजिट में ए रहता है, सी के अपोजिट में जी रहता है, जी के अपोजिट में सी, जी के अपोजिट में सी, सी के अपोजिट में जी, टी के अपोजिट में ए टी टी ए जी सी। ये सीक्वेंस होता है ना, इतना खास होता है कि यही सीक्वेंस डिसाइड करता है कि आगे जाकर के आरएनए क्या बनेगा। मैंने बताया ना आरएनए इसके ऊपर बनता है, और फिर वो आरएनए प्रोटीन क्या बनाएगा। इतनी बात फिलहाल के लिए समझते हैं अभी। अब क्या है, अगर गलती से भी म्यूटेशन, अब कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, वो बात का टॉपिक, किसी ना किसी वजह से इन सीक्वेंस, मान लो यहां सी था ये, तो यहां गड़बड़ी हो जाएगी। मान लो यहां पर आ गया टी, यहां टी आएगा तो यहां बदले में क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ये एक पार्ट पूरे सीक्वेंस में बदल गया। इसके बदलने की वजह से मेरी प्रोटीन बदल जाती है। कैसे बदल जाती है, जब हम चैप्टर नंबर सिक्स में सीखेंगे प्रोटीन का फॉर्मेशन, तो ये कॉन्सेप्ट एक बार वापस आके पढ़ोगे ना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा एकदम। फिलहाल अभी सिर्फ इतना समझना है, इस सीक्वेंस में जरा सी भी गड़बड़ी होती है तो मेरे पास क्या होगा, प्रोटीन में चेंजेस आ जाते हैं। पहले वाले की वजह से कुछ और प्रोटीन बन रही थी, अब ये सीक्वेंस बदल गया तो इसकी वजह से प्रोटीन मेरी चेंज हो गई। क्लियर है? इसकी वजह से प्रोटीन मेरी चेंज हो रही है। तो यही क्या कहलाता है, इसी को हम कहते हैं, जब मेरी पहल ये सीक्वेंस में चेंज आ गया डीएनए में, यही क्या कहलाता है, म्यूटेशन कहलाता है। सिर्फ इतनी सी बात, यानी कह सकते हैं चेंजेस इन डीएनए विच क्रिएट अ डिफरेंट प्रोटीन, दैट्स कॉल्ड म्यूटेशन, सिंपल भाषा में। अब आगे समझते हैं हम लोग इसको, देखते हैं। म्यूटेशन इज फिनोमेना विच रिजल्ट इन अल्टरेशन, अल्टरेशन मतलब बदलाव, किसका, डीएनए सीक्वेंस। जो सीक्वेंस बोला ना, इसलिए मैंने कहा ये समझना जरूरी है, अगर ये बिल्कुल दिमाग में नहीं होगा तो दिक्कत आएगी। डीएनए का सीक्वेंस ए टी सी जी जी सी था, क्या आ गया, टी आ गया। डीएनए के सीक्वेंस में जब बदलाव होता है उसकी वजह, उसको हम लोग क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। एंड कॉन्सिक्वेंटली रिजल्ट इन चेंजेस इन द जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, और इसकी वजह से जीनोटाइप और फिनोटाइप, अभी जीनोटाइप फिनोटाइप तो क्लियर होंगे ना, याद है, गुड। जीनोटाइप फिनोटाइप में क्या आ जाते हैं, चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीनोटाइप फिनोटाइप में चेंज आते हैं बिकॉज ऑफ डीएनए के सीक्वेंस में चेंज आने की वजह से, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। इन एडिशन टू रिकॉम्बिनेशन, म्यूटेशन इज अनदर फिनोमेना दैट लीड्स वेरिएशन इन डीएनए। अब रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, मैंने बताया था रिकॉम्बिनेशन इज नथिंग बट द क्रॉसिंग ओवर, है ना। रिकॉम्बिनेशन के बारे में जिक्र किया था, क्रॉसिंग ओवर, जो कि कहां होता है, ड्यूरिंग द मियोसिस, याद है। तो रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स किसमें होते हैं, क्रॉसिंग ओवर में। उसके अलावा म्यूटेशन भी एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से डीएनए में चेंजेस आते हैं, और उस चेंजेस की वजह से वेरिएशन क्रिएट होते हैं। अच्छा, म्यूटेशन हर बार ही गलत हो ऐसा जरूरी नहीं है, म्यूटेशन अच्छे भी होते हैं, कई बार खराब भी होते हैं। म्यूटेशन की वजह से बीमारियां भी आती हैं, और कई बार नए कैरेक्टर भी जुड़ जाते हैं जो अच्छे होते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम ये लेके चल रहे हैं कि वेरिएशन, यहां पर एक लाइन क्लियर कर दी है, वेरिएशन इन डीएनए, डीएनए में जो बदलाव आते हैं उसके लिए दो लोग रिस्पॉन्सिबल है, रिकॉम्बिनेशन एंड म्यूटेशन। बात समझ में आ गई, इस लाइन को अंडरलाइन कर लेंगे, आगे आते हैं। As you will learn in chapter 6, अब साफ साफ कह रहा है, जैसा कि तुम पढ़ोगे chapter 6 में, one DNA helix, अब DNA helix, जिस बच्चे ने class 11th में biomolecule थोड़ा सा पढ़ रखा होगा सही से, तो वो DNA helix अभी समझ पा रहा होगा। जो लोग थोड़ा बहुत जानते हैं तो अच्छी बात है। इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, ये देख रहे हो मुड़ा मुड़ा सा है, helix मतलब coiling टाइप, गोल गोल घुमा हुआ। तो जो कह रहा है इन चैप्टर 1,
तुम पढ़ोगे वन डीएनए हेलिक्स रन्स कंटिन्यूअसली फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड इन ईच क्रोमेटिड. अब क्रोमेटिड क्या होते हैं, याद है किसी को, कहां पढ़े थे क्रोमेटिड? सिस्टर क्रोमेटिड या क्रोमेटिड जो धागे होते हैं, ठीक है ना, डीएनए के जो धागे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमेटिड बोल देते हैं. इन हाईली सुपर कॉइल्ड फॉर्म, ठीक है ना, बहुत ज्यादा एक्चुअली एग्जैक्टली देखोगे तो जो डीएनए है ये आगे जा करके ना बहुत ज्यादा ना एकदम कॉइल्ड हो जाता है ये, और यही आगे जा करके जब कॉइल्ड हो जाता है यही, ये क्या था, डीएनए खुला हुआ है और ये डीएनए इस तरह से क्या हो गया, कॉइल्ड हो गया. ये कॉइल्ड होकर के आगे हमें क्या दिखाई पड़ता है, इसकी फॉर्म में दिखाई पड़ता है, क्रोमोसोम की फॉर्म में. तो क्या कह रहा है, यही डीएनए हेलिक्स होते हैं रन्स कंटिन्यूसली फ्रॉम वन एंड टू अदर, एक एंड से दूसरे एंड, इन ईच क्रोमेटिड, हर एक क्रोमेटिड में इन अ हाईली सुपर कॉइल्ड फॉर्म, बहुत ज्यादा सुपर कॉइल हो रखे होते हैं ये. देयरफॉर लॉस या डिलीशन और गेन, इंसर्शन और डुप्लीकेशन. अब इसका मतलब क्या है, लॉस का मतलब क्या हो जाएगा, अच्छा ऐसी भी संभावना है कि जो सीक्वेंस है यहां से गायब हो जाए और ये चिपक जाए, ये हो गया लॉस, ठीक है, इसको कहेंगे लॉस. ऐसा भी हो सकता है कि एक की जगह दूसरा आ गया, एक और तरीका, और तीसरा तरीका क्या, इंसर्शन हो सकता है, यहां पर ऐड हो जाए कोई ए और टी, एक एडिशनल आ गया, इंसर्ट हो गया, ठीक है ना, ये हो गया गेन. तो तीन तरीके के म्यूटेशन की यहां पे बात कर रहा है, अरे हाँ, तो तीन तरीके म्यूटेशन की बात कर दी यहां पर, या तो लॉस और डिलीशन जो बताया मैंने, हट जाए बिल्कुल, गेन हो जाए, कोई चीज इंसर्ट हो जाए, या डुप्लीकेट हो जाए. अच्छा डुप्लीकेट का मतलब क्या हो जाएगा, अब तो बात समझ में आ रही होगी, ये जी सी है, एक और जी और सी आ जाए यहां पर, ये डुप्लीकेशन हो गया. ये सीक्वेंस में जब, यानी कि डीएनए के सीक्वेंस में जब ये चीजें देखने को मिलेंगी, लॉस और गेन ऑफ सेगमेंट ऑफ डीएनए रिजल्ट इन अल्टरेशन इन क्रोमोसोम्स, इसकी वजह से क्रोमोसोम में क्या आ जाएगा, बदलाव आ जाएंगे, इसकी वजह से क्रोमोसोम में क्या आ जाएगा, बदलाव आ जाएंगे. सिंस जीन्स आर नोन टू बी लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम, क्योंकि जीन्स जो होते हैं वो क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड होते हैं, अल्टरेशन इन क्रोमोसोम रिजल्ट इन द एबनॉर्मेलिटीज और एब्रेशन. एबनॉर्मेलिटी मतलब जो चीज नॉर्मल ना हो, एब्रेशन मतलब गलतियां, ठीक है, क्योंकि जीन्स क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं इसीलिए अल्टरेशन क्रोमोसोम के अंदर जो बदलाव आएंगे उसकी वजह से चीजें एबनॉर्मल हो जाएंगी या गड़बड़ हो जाएंगी. क्रोमोसोमल एब्रेशन आर कॉमनली ऑब्जर्व इन कैंसर सेल, तो ये लाइन मार्क कर लेंगे, क्रोमोसोमल एब्रेशन हमें कहां देखने को मिलते हैं, कैंसर सेल के अंदर. तो कैंसर सेल इज नथिंग बट द म्यूटेशन, म्यूटेशन की वजह से होते हैं, क्लियर है, इसका पढ़ेंगे टॉपिक. कैंसर सेल एक ऑन्कोजीन्स वगैरह आएगा, कैंसर जो कैंसर वाले जीन होते हैं, होते सब में है, जिसमें एक्टिवेट हो जाते हैं उनको कैंसर हो जाता है. अब क्या कह रहा है, इन एडिशन टू द अबव म्यूटेशन आल्सो अराइज ड्यू टू चेंज इन सिंगल बेस पेयर. अब देखो ओके, थोड़ा सा यहां पर चीज को थोड़ा सा चेंज करेंगे, यहां थोड़ी सी चीज गड़बड़ हो गई है, जो चीज मैं बता रहा था अभी तक, थोड़ा समझ लें इसको, रिपीट कर देता हूं मैं, ध्यान नहीं दिया इसका, जो चीज मैं बता रहा था वो चीज अब आने वाली है. यहां पर जो है डिलीशन, गेन, इंसर्शन, डुप्लीकेशन, ये बात हो रही है क्रोमोसोम को लेकर, मार्क कर लेना इस चीज को, ये बात किसको लेकर के हो रही है, क्रोमोसोम को लेकर के, मतलब कि क्या हो गया यहां पर, क्रोमोसोम में कोई चीज एक्स्ट्रा ऐड हो जाए या कट जाए, ठीक है ना, या इसका डुप्लीकेशन हो जाए, ये सारी बातें किसके लिए चल रही है, क्रोमोसोम के लिए चल रही है, इसीलिए यहां पर क्रोमोसोमल एब्रेशन की बात हुई है. जो बातें मैं ऊपर बता रहा हूं वो लगभग सेम सेम थी, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, ठीक है, ये जो बातें मैंने बताई हैं ये सेम चीजें अब आने वाली हैं. तो क्या कह रहा है, इन एडिशन टू अबव, यानी कि इस क्रोमोसोमल म्यूटेशन के अलावा, म्यूटेशन आल्सो अराइज ड्यू टू चेंज इन सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए. जो बेस पेयर है नाइट्रोजन बेसिस है ना, सीजी, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ये होते हैं नाइट्रोजन बेसिस. अब नाइट्रोजन बेसिस क्या है, नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, क्या कहते हैं इनको हम लोग, नाइट्रोजन बेसिस, ठीक है, कुछ नहीं, बिल्कुल सेम है, बस वो सारे इफेक्ट जो मैं गिना रहा था वो क्रोमोसोम में कर देना, और ये जो चीज पहले समझाई थी वो अब लेके आ जाना, ठीक है. दिस इज नोन एज पॉइंट म्यूटेशन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट म्यूटेशन, यानी कि जब क्रोमोसोम में चेंजेस आता है, क्रोमोसोम में डिलीट हो जाए, गेन और लॉस हो जाए, क्रोमोसोमल एब्रेशन, और जब नाइट्रोजन बेसिस में चेंजेस आएंगे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं. जब सिंगल एक में नाइट्रोजन बेस में कई तरीके से म्यूटेशन हो सकती है, हमारी एनसीईआरटी में केवल किसका जिक्र है, पॉइंट म्यूटेशन का जिक्र है, यानी कि केवल एक बेस पेयर से क्या होती है, चेंजेस आएंगी. अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ सच म्यूटेशन इज सिकल सेल एनीमिया, जो आगे आने वाला है,
उसमें एक की जगह दूसरा लग जाता है, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, आरबीसी में चेंजेस आ जाते हैं। डिलीशन एंड इंसर्शन ऑफ बेस पेयर ऑफ डीएनए कॉज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अब ये फ्रेम शिफ्ट क्या है, तो देखो यहां पर क्या हुआ, पॉइंट म्यूटेशन में क्या आ जाएगा, बात को समझना, यहां पर बेस पेयर को लेके एक और दे दिया, एक है पॉइंट म्यूटेशन और दूसरा है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अब फ्रेम शिफ्ट बच्चों में तुम्हें बता दूं, जब तक चैप्टर नंबर 6 में प्रोटीन की सिंथेसिस समझ में नहीं आएगी, फ्रेम शिफ्ट उतना अच्छा समझ में नहीं आएगा। फिलहाल पॉइंट म्यूटेशन को थोड़ा सा मैं बता देता हूं। पॉइंट म्यूटेशन का मतलब यही होता है कि कोई एक बेस पेयर में चेंज आएगा, किसी एक में, एक की जगह कोई दूसरा लग गया, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट में क्या होता है, डिलीशन, ये मार्क करना, जब डिलीशन और इंसर्शन होता है तब मेरा फ्रेम शिफ्ट होता है। फ्रेम शिफ्ट क्यों कहा गया है, अभी हम प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ेंगे ना बच्चों, तो वहां पे हमको समझ में आएगा ATCGC ATCCG। जो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है उसमें प्रोटीन सिंथेसिस इन तीन चीन को लेके करता है, वो कैसे करता है समझेंगे, CGT किन को लेके कर रहा है, तीन तीन को लेकर के। अभी तीन तीन को लेकर क्या होता है, बिल्कुल दिमाग में जोर मत डालो, केवल ये समझो तीन तीन को पकड़ करके वो क्या बना रहा होता है, प्रोटीन बना रहा होता है। लेकिन हुआ क्या, मैंने क्या कहा अभी, यहां क्या बोला, डिलीशन और इंसर्शन, अगर गलती से कोई मान लो एक्स्ट्रा बीच में आ गया ए, तो उसको तो तीन तीन के पेयर बनाने बनाने हैं, तो अब वो तीन तीन के पेयर किसको बनाएगा, इसको बनाएगा, फिर इसको बना लेगा, देखो पेयर ही बिगड़ गया पूरा, ये ट्रिपलिंग थी वो बिगड़ गई पूरी, यानी कि पूरा पूरा मेरा फ्रेम, पहले ये फ्रेम चल रहा था, अब फ्रेम मेरा पूरा बदल जाएगा, आगे का पूरा फ्रेम बदल जाएगा, या कोई चीज यहां से क्या हो जाए, डिलीट हो जाए, भाई यहां पे ये इंसर्ट हुआ था, मान लो ये डिलीट हो गया, अब तीन तीन के पेयर इसके बाद ये बनेंगे तीन तीन के पेयर, तभी मेरा क्या होगा, पूरा का पूरा फ्रेम मेरा चेंज हो जाएगा, जो इन तीन तीन को लेके वो लेके चल रहा था, अब वो अगले को लेके पकड़ के चलेगा, तो मेरी पूरी प्रोटीन ही बदल जाती है, ठीक है। तो यहां पर दो म्यूटेशन है नाइट्रोजन बेसिस को लेकर के, एक है पॉइंट म्यूटेशन और एक फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ये दो टाइप के म्यूटेशन, ठीक है। एक बार हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ लेंगे तो वहां पर एक बार म्यूटेशन वाली बात को दोबारा से जिक्र कर लेंगे, क्लियर है। फिर कह रहा है द मैकेनिज्म ऑफ म्यूटेशन इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस डिस्कशन। अब म्यूटेशन बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में, तो उसको हम यहां पर नहीं पढ़ रहे हैं इस लेवल पे। हाउएवर देयर आर मेनी केमिकल एंड फिजिकल फैक्टर, कई सारे केमिकल और फिजिकल फैक्टर है दैट इंड्यूस म्यूटेशन, दीस आर रेफर्ड एज म्यूटाजन। इस टर्म को मार्क करेंगे, म्यूटाजन क्या होता है, जो म्यूटेशन को लेके आते हैं, ठीक है। उसमें कौन कौन है, यूवी रेडिएशन कैन कॉज म्यूटेशन इन ऑर्गेनिज्म, इट इज अ म्यूटाजन। यहाँ पे केवल यूवी लाइट की बात कर रहा है ना, यूवी रेडिएशन क्या होता है, कैंसर पैदा हो जाता है, बात समझ में आ रही है। तो म्यूटाजन का जिक्र जो यहाँ पे किया है केवल यूवी लाइट को लेकर रखा है, बहुत सारे होते हैं और किसी का जिक्र यहां पर नहीं है, ये बात समझ में आ रही है, क्लियर, ओके। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है जेनेटिक डिसऑर्डर्स, तो आओ देखें जेनेटिक डिसऑर्डर में हमें क्या देखना है और क्या समझना है। जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब बात समझ में आ रही होगी, जो जीन्स को लेकर के डिसऑर्डर्स हैं, जो गड़बड़ियां पैदा हो रही हैं उनके लेकर के बारे में बात होने वाली है। तो इसके अंदर हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे पी डिग्री एनालिसिस, क्या होता है पी डिग्री एनालिसिस, आओ समझते हैं। पी डिग्री एनालिसिस कुछ और नहीं है, हम लोग एक ट्री बनाने की कोशिश करते हैं, एक एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि किसी इंसान में, उसके पीछे आते हैं दादा परदादा चाचा ताई के भाई बहन, इन सबको लेकर के एनालिसिस करते हैं कि वो बीमारी जो प्रेजेंट में आदमी है उसको होने की कितनी संभावना है, ठीक है। तो पीडीबी एनालिसिस से पहले हम लोग बात कर लें, एक तरह क्या होता है, एक एनालिसिस है, चार्ट टाइप का रहता है, ठीक है। रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या रहता है, इस पीडीबी एनालिसिस में हम लोग क्या करेंगे, मेल को स्क्वायर से रिप्रेजेंट करेंगे, फीमेल को सर्कल से। अच्छा ये क्या है, ये क्या बता रहा हूं मैं, अभी समझ में आ जाएगा, केवल सिर्फ फिलहाल ये समझो, स्क्वायर से जब हम लोग इसमें क्या बनाया करेंगे, एनालिसिस क्या करेंगे ना, इसमें ऐसा रहा करेगा, मान लो एक मेल की फीमेल से शादी हुई, उसके चार बच्चे हुए, वो इसी सीक्वेंस में अरेंज हो रहे हैं, इस बच्चे की शादी एक लड़की से हुई, तो इस टाइप से चीजें चलेंगी, इस तरह से चार्ट बनाया जाता है। तो उसके लिए हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए, मेल स्क्वायर से, फीमेल सर्कल से, सेक्स अनस्पेसिफाइड, पता नहीं है, मान लो डॉक्टर तुमसे पूछ रहा है, तुमने कहा कि मेरे दादा के जो लड़के थे उनके चार बच्चे हैं, और चार में से लड़का लड़की कौन है नहीं पता, तो उसके लिए बॉक्स कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। अफेक्टेड इंडिविजुअल, ये रहे इस तरह सिंबल आ जाएगा, अगर मेल अफेक्टेड है तो रेड और फीमेल है तो रेड, और जो नहीं पता वो अगर अफेक्टेड है, हम कह देंगे उनका एक बच्चा अफेक्टेड था लेकिन लड़का या लड़की नहीं पता, तो रेड इस तरीके से दिखा देंगे। दो लोगों में शादी होगी तो लाइन से जोड़ेंगे, ठीक है। अगर
क्लोज रिलेटिव में, जैसे होता है ना, क्या हो जाता है, मामा की लड़की शादी हो गई या रिश्तेदार में किसी शादी हो गई, तो डबल लाइन से दिखाते हैं, मीटिंग बिटवीन द रिलेटिव, ठीक है ना। अब पेरेंट अबव एंड चिल्ड्रन बिलो, ये माँ बाप होंगे और बच्चे नीचे होते हैं, ठीक है। और बच्चों का जो ऑर्डर होगा, मतलब लेफ्ट वाला सबसे पहले होगा बच्चा, ये वाला बाद में हुआ, तो इसी सिक्वेंस से बच्चे आगे जुड़ते चले जाएंगे। पेरेंट विद मेल चाइल्ड अफेक्टेड विद डिजीज, ये देखो सिंबल दिखा रखा है, पेरेंट है उनका एक मेल बच्चा है और वो किससे है, अफेक्टेड है डिजीज से। फाइव अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग, ऐसे ऑफस्प्रिंग जो अनअफेक्टेड है उसका सिंबल ये हो जाएगा। तो ये सिंबल है, इसको सिंबल को लेकर चार्ट इस एनसीईआरटी में भी दे रखे हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल समझते हैं सिंबल यूज इन ह्यूमन पेडिग्री एनालिसिस। ह्यूमन पेडिग्री एनालिसिस के लिए जो सिंबल्स इस्तेमाल होते हैं उसके बारे में यहाँ पे हमने बात की। अब क्या बात बता रहा है यहाँ पर, उसको हम लोग थोड़ा रीड करते हैं और देखें। कह रहा है द आइडिया डैट डिसऑर्डर्स आर इनहेरिटेड, जो एक आइडिया है कि डिसऑर्डर, बीमारियां भी क्या होती हैं, आती हैं माँ बाप से, इनहेरिट होती हैं, हैज बीन प्रिवेलिंग इन ह्यूमन सोसाइटी सिंस लॉन्ग, ये काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है कि एक बीमारी जो दादा परदादा में होती है बच्चे में देखने को मिल जाती है। This was based on the heritability of certain characteristic feature in family. ये किसके ऊपर बेस है कि कुछ ऐसे character जो transfer हो रहे हैं, heritable है उनके पास, ठीक है ना, एक generation से दूसरी generation में transfer हो रहे हैं और वो genes भी transfer हो रहे हैं, कौन से, बीमारी वाले। After the rediscovery of Mendel's work, Mendel's work को जब वापस rediscover किया, याद है किन लोगों ने किया था, तीन scientist जिन्होंने rediscover किया था, याद है या भूल गए, ठीक है, तो उसी rediscovery की बात कर रहा है। वर्क डैट द प्रैक्टिस ऑफ एनालाइजिंग इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ ट्रेट इन ह्यूमन बींग बिगेन, यहां से क्या हुआ, एनालाइज करने की शुरुआत हो गई। सिंस इट इज एविडेंट डैट कंट्रोल क्रॉसेस डैट कैन बी परफॉर्म्ड इन पी प्लांट और सम अदर ऑर्गेनिज्म आर नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ ह्यूमन बींग, क्योंकि ये भाई जाहिर सी बात है, जिस तरीके से हमने कंट्रोल एक क्रॉस करके पी प्लांट या अदर ऑर्गेनिज्म में ड्रोसोफिला में कर लिया था, इंसान में इस तरीके से पॉसिबल नहीं है, इंसान की जिंदगी बहुत लंबी होती है, हम इसे क्रॉस करके उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग स्टडी ऑफ द फैमिली हिस्ट्री अबाउट इनहेरिटेंस ऑफ ए पर्टिकुलर ट्रेट प्रोवाइड्स एन अल्टरनेटिव, तो हम लोग क्या करते हैं, फैमिली हिस्ट्री को चेक करते हैं। अच्छा तुम्हारे पापा बीमार थे, क्या उनकी मम्मी, उनके पापा, क्या तुम्हारे पापा के भाई लोग बीमार थे, इस तरह से एक हिस्ट्री तैयार करते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग ह्यूमंस में पी प्लांट की तरह एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, बात समझ में आ रही है। सच एन एनालिसिस ऑफ ट्रेट, है ना, जो कैरेक्टर की एनालिसिस की जाती है इस तरीके से, इन अ सेवरल जनरेशन ऑफ फैमिली, कई जनरेशन तक उसको एनालाइज करके एक चार्ट बनाया जाता है, इज कॉल्ड पेडिग्री एनालिसिस। क्लियर है बात। अब मान लो किसी को डायबिटीज नहीं है, अभी डॉक्टर पूछ रहा है तुम्हारे मम्मी को डायबिटीज है, तुम्हारी मम्मी की मम्मी को थी, वो कहेगा नहीं है, उनकी मम्मी को थी, वो कहेगा है, उनकी बहन को है, तो एक चार्ट तैयार होता है, वहां से एक संभावना पता चल रही है कि तुमको होने की कितनी संभावना है। ओके, इन पेडिग्री एनालिसिस The inheritance of a particular trait is represented in the family tree. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, family tree, जो मैं बाबा chart बोल रहा था, इसको family tree बोला जाता है। Over generation chart बनाया जा रहा है, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, family tree, वो बना के तैयार किया जाता है। In human genetics, pedigree study provides a strong tool. ये काफी अच्छा हथियार है किसके लिए, which is utilized to trace the inheritance of specific trait. जिससे हम लोग पता लगाते हैं, trace मतलब ढूंढते हैं, इनहेरिटेंस ऑफ स्पेसिफिक ट्रेट, कोई एक खास गुण या करेक्टर क्या वो तुम्हारे अंदर आएगा या नहीं आएगा, एबनॉर्मेलिटी आएगी या नहीं आएगी, या डिजीज आएगी नहीं आएगी, कोई एक करेक्टर आएगा तुम्हारे अंदर या नहीं आएगा, ये हमको पता चल जाता है किससे, पी डिग्री की फैमिली ट्री से। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड सिंबल यूज इन पी डिग्री एनालिसिस शोन इन फिगर, जो हमने डिस्कस कर लिया ऊपर, एज यू हैव स्टडीड इन दिस चैप्टर ईच एंड एवरी फीचर इन एनी ऑर्गेनिज्म इज कंट्रोल्ड बाय वन और द अदर जीन, सारे के सारे फीचर कोई ना कोई जीन कंट्रोल कर ही रहा है, हम जान चुके हैं, लोकेटेड ऑन डीएनए, ठीक है, जो कि डीएनए में प्रेजेंट है इन द क्रोमोसोम, और डीएनए, ठीक है ना, जो कि क्रोमोसोम के ऊपर है, क्या बोल रहा है ये, अदर जीन्स लोकेटेड ऑन डीएनए प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम, ठीक है, डीएनए जो कि प्रेजेंट है क्रोमोसोम के अंदर, ठीक। DNA is the carrier of genetic information. सबको पता है ये बात, DNA ही genetic information का carrier है। तो बच्चों बता दो, मैं क्रोमोसोम और DNA को लेकर थोड़ी सी confusion बनी रहती है बच्चों को, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, DNA क्या होता है, ये धागा नुमा डबल स्टैंडर्ड, ये जब माइटोसिस होती है तो यही DNA क्या होता है, फोल्ड होकर के क्रोमोसोम बन जाता है, एक्स टाइप का बना दिया मैंने ये, ठीक है ना, और इसी DNA का वो हिस्सा जो अपने ऊपर क्या बनाता है, RNA बनाता है,
उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, जीन बोल देते हैं। तो अल्टीमेटली सर्वे सर्वा कौन है, डीएनए है। डीएनए के अंदर वो हिस्सा जो आरएनए बनाता है, आरएनए आगे जाकर क्या बना देगा, प्रोटीन बना देगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीन बोल देते हैं। और यही जब कॉइलिंग होकर क्रोमोसोम बन जाता है तो डीएनए तो क्रोमोसोम बन रहा है, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना डीएनए क्या है, जीन्स क्या है, क्रोमोसोम क्या है। ओके, तो साफ साफ लिख दिया है, डीएनए इज द कैरियर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, इट इज हैंस ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर विदाउट एनी चेंज और अल्टरेशन। इसीलिए ये ट्रांसफर होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में बिना किसी बदलाव के। हाउएवर, हालांकि चेंजेस और अल्टरेशन डू टेक प्लेस ओकेजनली, हालांकि जो बदलाव है और अल्टरेशन है, चेंजेस कह लो या अल्टरेशन कह लो, होते हैं कभी कभार ओकेजनली, सच एन अल्टरेशन और चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल इज रेफर्ड एज म्यूटेशन, जो हम पढ़ चुके हैं। इस बदलाव को हम लोग क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। अ नंबर ऑफ डिसऑर्डर इन ह्यूमन बींग have been found to be associated with the inheritance of changed or altered gene or chromosome. कई सारे डिजीज हम लोग अब तक फाइंड कर चुके हैं जो किसके कारण होते हैं, इस म्यूटेशन की वजह से होते हैं, डीएनए में या क्रोमोजोम में चेंजेस की वजह से होते हैं। तो यहां तक बात थी पी डिग्री की, बात अब रियल में यहां पे स्टार्ट होने वाली है, मेंडेलियन डिसऑर्डर, ठीक है ना। पी डिग्री का इस्तेमाल यहां पे हम करेंगे कायदे से। तो क्या कह रहा है ये, अच्छा मेंडेलियन डिसऑर्डर क्यों कहा गया है, मेंडेलियन डिसऑर्डर मतलब मेंडेलियन ने क्या बोला था, फैक्टर। मेंडेलियन ने क्या बोला था, फैक्टर, है ना। फैक्टर को कुछ और नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जीन्स बोलते हैं। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर मतलब जीन्स के डिसऑर्डर, बात समझ में आ रही है। तो आओ देखें, ब्रॉडली मोटे तौर पे जेनेटिक डिसऑर्डर में भी ग्रुप्ड इनटू टू कैटेगरीज, दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। बच्चे तो क्रोमोसोम का मतलब क्या होता है, पूरा का पूरा क्रोमोसोम शिफ्ट हो जाता है। अच्छा, एक क्रोमोसोम के ऊपर कई सारे जीन्स हो सकते हैं, तो एक क्रोमोसोम के ऊपर कई सारे मेंडेलियन फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है। जब एक जीन्स में गड़बड़ी की वजह से कोई डिसऑर्डर होगा तो उसको हम कहेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर, और जब पूरा पूरा क्रोमोसोम की गड़बड़ी की वजह से कोई डिसऑर्डर होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्लियर है। मेंडेलियन डिसऑर्डर आर मेनली डिटरमाइंड बाय द अल्टरेशन ऑफ म्यूटेशन इन द सिंगल जीन। क्लियर हो गया। एक जीन्स में, यानी कि जो पार्ट डीएनए का प्रोटीन बना रहा है, केवल उस एक पार्ट में अगर कोई चेंज आ जाए और डिसऑर्डर पैदा हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर। कारण कौन है, सिंगल जीन, ठीक है ना। दिस डिसऑर्डर्स आर ट्रांसमिटेड टू द ऑफस्प्रिंग ऑन द सेम लाइन एज वी हैव स्टडीड इन द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। ये उसी तरीके से ट्रांसफर होती है जो हमने इनहेरिटेंस पढ़ा था मेंडल का, उसी हिसाब से ट्रांसफर होती है। क्लियर है। ओके, द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सच मेंडेलियन डिसऑर्डर कैन बी ट्रेस्ड इन फैमिली बाय पी डिग्री एनालिसिस। बहुत बढ़िया, बात स्पष्ट कर दी इसने। ये जो मेंडेलियन डिसऑर्डर है इसको हम लोग पी डिग्री एनालिसिस से पता कर सकते हैं। मोस्ट कॉमन एंड प्रीवेलेंट मेंडेलियन डिसऑर्डर आर हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइल किटोनीरिया, थैलेसेमिया। जो सबसे ज्यादा प्रीवेलेंट फैले हुए मेंडेलियन डिसऑर्डर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 के नाम यहां पे दे दिए। तो ये 6 की 6 डिजीज क्या है, दीज आर नॉट क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, दीज आर मेंडेलियन डिसऑर्डर, दीज आर मेंडेलियन डिसऑर्डर। क्लियर है ना। यानी कि ये क्यों पैदा हो रही है, जीन्स में गड़बड़ी की वजह से। क्लियर है। इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंशन हियर दैट सच मेंडेलियन डिसऑर्डर मे बी डोमिनेंट और रिसेसिव। ये मेंडेलियन डिसऑर्डर डोमिनेंट भी हो सकते हैं, रिसेसिव हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि जीन्स की बात हो रही ना, मेंडल ने तो जीन की बात करी थी। क्लियर बातें, आगे आते हैं। बाय पी डिग्री एनालिसिस वन कैन इजीली अंडरस्टैंड वेदर द ट्रेट इन क्वेश्चन इज डोमिनेंट और रिसेसिव। तो यहां से देखो एक बात बोल दी कि अगर हमें पता करना है, क्वेश्चन आ जाए, मान लो तुम्हारे पास जैसे चार्ट देख रहे नीचे ए और बी, और तुम्हारे पास इतनी सी बात आ जाए लिख करके, और तुम्हें बताओ कि इसके अंदर जो बीमारी है जो दिखा रखी इसके अंदर, वो रिसेसिव है, डोमिनेंट है, सेक्स लिंक्ड है या ऑटोसोमल है, कैसे पता करोगे। तो कह रहा है पी डिग्री एनालिसिस को देख के हमें पता लगा सकते हैं। बट बच्चों रियलिटी ये है कि जब तुम इसको करने बैठोगे ना तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है। मैं इसका शॉर्ट तरीका बताऊंगा, वो तरीका मैं बच्चों पहले बता दूं, मेरा तरीका भी नहीं है, ठीक है ना। मेरे को कहीं से वो तरीका मिला, किसी बच्चे से मिला या शायद कहीं से मिला, मेरे को नहीं पता, लेकिन बहुत अच्छा लगता है तरीका वो, और बहुत ही बनाने वाले का कहना है, मैं ये कहूंगा कि बहुत अच्छा तरीका ईजाद किया उसने, बहुत ईजिली आप उससे फाइंड आउट कर सकते हो। चलो बात करेंगे अभी उस तरीके पे भी, उस तरीके पे भी आएंगे, ठीक है। अब क्या कह रहा है, सिमिलरली द ट्रेट मे आल्सो बी लिंक्ड टू सेक्स क्रोमोसोम एज इन केस ऑफ हीमोफीलिया। इट इज एविडेंट दैट एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट शो ट्रांसमिशन। जो एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट होते हैं वो ट्रांसमिशन शो करते हैं।
फ्रॉम कैरियर फीमेल टू मेल प्रोजेनी आर रिप्रेजेंटेटिव पीडिग्री इज शोन इन फिगर 5.14। उसमें दिखा रखा है रिप्रेजेंट करने के लिए, दिखाने के लिए कैसी पीडिग्री बनती है फ्रॉम डोमिनेंट फॉर डोमिनेंट रिसेसिव ट्रेट, दोनों के लिए दिखा रखा है। डिस्कस विद योर टीचर एंड डिजाइन पी डिग्री फॉर कैरेक्टरिस्टिक लिंक टू बोथ ऑटोसोम एंड सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, कह रहा है कि डिस्कस करो और बनाओ, हमें वहां पे नहीं जाना। यहां पर हमारा मेन मुद्दा क्या था, पहले तो हमें यह पता चल गया कि ये बीमारियां कैसी हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर की हैं। दूसरा, इस चार्ट को सॉल्व कैसे करें, दूसरा मुद्दा हमारा यहां पर यह आता है। तो इस चार्ट को सॉल्व कैसे किया जाता है, यहां पर मैं तुम्हें एक तरीका बता रहा हूं बच्चों। ये देखो, हमें कुछ सवाल करने अपने आप से, ठीक है ना, हमें कुछ सवाल करने हैं। देखो पीडिग्री एनालिसिस को सॉल्व करने के लिए, और तुम लोग इसको ट्राई करना। अच्छा, जो ये सवाल होंगे, पहला क्वेश्चन क्या करोगे, पहला क्वेश्चन तुम्हें करना है ऑल अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग हैव अफेक्टेड पेरेंट, क्या जितने बच्चे ग्रसित हैं, अफेक्टेड हैं, बीमार हैं, क्या उनके माँ बाप भी बीमार हैं। आंसर आएगा येस और नो में। अगर येस है मतलब वो डिजीज कैसी है, डोमिनेंट है, और अगर नो है मतलब डिजीज कैसी है, रिसेसिव है। तो आओ सवाल करते हैं, पहला चार्ट देखते हैं। क्या जो बच्चे अफेक्टेड हैं, ठीक है ना, क्या है ऑल अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग हैव अफेक्टेड पेरेंट, जो बच्चे अफेक्टेड हैं क्या उनके माँ बाप भी अफेक्टेड हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे बच्चे अफेक्टेड हैं बट माँ बाप अफेक्टेड नहीं है, तो यहाँ आंसर क्या आ गया, नो में। यहाँ बच्चे अफेक्टेड हैं, माँ बाप भी अफेक्टेड हैं, आंसर आ गया यस में। कहानी समझते जाना, और जहां समझ में नहीं आए वीडियो पॉज कर लेना। यहाँ आंसर क्या आ गया, यस। यहाँ आंसर आ गया नो। अब श्योर है जिसमें यस आ गया, ये वाली बीमारी हमारी डोमिनेंट होने वाली है और ये वाली बीमारी हमारी रिसेसिव होने वाली है। ठीक है, आगे आते हैं। अब जो ये सवाल करोगे तुम अगला, ये बच्चों 100% होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, 100% ट्रू होना चाहिए। अगर इसमें जरा सा ही फेर बदल होगा तो मतलब आंसर नो आ जाएगा। सवाल होगा क्या बीमार पिता या बीमार आदमी, जो आदमी बीमार है, अगर मेल बीमार है, क्या उसकी माँ और बेटी भी बीमार है। अगर 100% मान लो माँ बीमार है बेटी बीमार नहीं है तो आंसर नो हो गया। माँ और बेटी जब दोनों बीमार होंगी तो ही आंसर यस रखना, अदरवाइज तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, 100% यानी कि जब दोनों बीमार हो तो यस, अगर एक बीमार नहीं है एक बीमार है तो आंसर नो आ जाएगा। दोनों बीमार नहीं तो आंसर नो है ही है। बात समझ में आ गई, दोनों बीमार होनी चाहिए तो आंसर यस आएगा, अदरवाइज आंसर नो आएगा। यस आता है तो एक्स लिंक डोमिनेंट, नो आता है तो ऑटोसोमल डोमिनेंट। ठीक है, तो देख लेते हैं बीमार किसकी बात हो रही है, आदमी की। अब यहां देखो ये क्या है, मेल, ठीक है, और ये क्या है, फीमेल। तो मेल की बात करूं तो मेल की मदर और मेल की बेटी। अब यहां पर मदर तो है, बेटी का कोई नामो निशान नहीं है, बेटी का कोई नामो निशान है यहां पर। तो यहां नहीं कि ये वाले क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, आंसर कहीं ना कहीं नो में आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, हम इसको ट्राई कर लेते हैं, किसको, फीमेल को। तो फीमेल में क्या है, क्या बीमार औरत के पिता और बेटे बीमार हैं। अच्छा, पहली बात तो ये हो गई है कि यहां पे बात हमारी डोमिनेंट वाली आ चुकी है तो हमें रिसेसिव में जाना नहीं, लेकिन तब भी एक बार देख लेते हैं क्या बोल रहा है। क्या बीमार औरत के पिता और बेटे बीमार हैं, दोनों बीमार होने चाहिए, पिता भी और बेटे भी, तो आंसर यस, अदरवाइज नो। तो हम देख सकते हैं यहां पर उसकी तरफ नहीं जाएंगे तो भी चलेगा, फिलहाल डोमिनेंट में रहते हैं। बीमार जो पिता है उसकी मां और बेटे, तो मां का तो पता चल रहा है, बेटी का पता नहीं चल रहा है, लेकिन यहां उल्टा भी हो गया साथ साथ में। इसमें जो बेटी है उसकी बेटी बीमार है, यानी कि हमारा इस वाले कोश कहां चला गया, इस वाले क्वेश्चन के बात खिलाफ हो गई ये वाली, बेटी की मतलब जब लड़की है उसकी बेटी और लड़की की मां बीमार हो गई है। बल्कि यहां तो हमें क्या चाहिए था डोमिनेंट में, पिता के बेटी और मां बीमार होनी चाहिए थी, यानी कि आंसर कहां आ गया, नो में आ गया। आंसर किस में आ गया, नो में आ गया, तो ऑटोसोमल। ठीक है, बात समझ में आ रही है, ये फिर से देख लें एक बार इसे। पहला क्वेश्चन, क्या बीमार बच्चे के मां मतलब पेरेंट्स बीमार हैं, तो आंसर आया यस, डोमिनेंट हो गया। अब बीमार आदमी की मां और बेटी है ना, राउंड किसके लिए होता है, फीमेल के लिए, बेटी तो इसकी देनी रखी है, तो क्वेश्चन कायदे में यही खत्म हो जाता है। यहां पे डोमिनेंट में क्या होना चाहिए, आदमी की मां और बेटी अगर बीमार होगी तो आंसर यस, यहां तो उल्टा हो गया, बेटी की बेटी और मां बीमार हो रही है, हमारे क्वेश्चन के उल्टा चला गया सवाल, तो आंसर क्या आ गया, नो में आ गया। नो का मतलब क्या हो गया, नो का मतलब हो गया ऑटोसोमल डोमिनेंट। तो ठीक है, देख लेते हैं।
ये देखो ए क्या दे रहा है, ऑटोसोमल डोमिनेंट आ गया आंसर, एकदम एग्जैक्ट मैच कर गया, कर गया कि नहीं कर गया। चलो दूसरा देख लेते हैं, आगे आते हैं। क्या बीमार औरत के पिता और बेटे बीमार हैं? तो हमारे पास इस वाले केस में आंसर नो आ गया था, रिसेसिव आ गया था। तो इसमें अब अगला सवाल क्या कर रहा है, क्या बीमार औरत के पिता और बेटे, तो यहां पे हम देख लेते हैं, कोई लेडी बीमार है, यस लेडी बीमार है। क्या उसके पिता बीमार है? नहीं बीमार है, बेटे का ध्यान ही है। हमारा क्वेश्चन यही समझ में आ गया, आंसर किसमें आ गया? नो में आ गया। आंसर किसमें आ गया? नो में आ गया। तो जैसे ही आंसर नो में आता है तो क्या हो गया? ऑटोसोमल रिसेसिव। आंसर क्या आया? ऑटोसोमल रिसेसिव, जैसे नो हुआ तो देख ले जरा इसका, ऑटोसोमल रिसेसिव। क्लियर है? तो ये सबसे शॉर्ट तरीका है और बहुत अच्छा तरीका लगता है ये आंसर। लेकिन फिर बता रहा हूं मैं एक चीज, इस क्वेश्चन जो करोगे ये 100% होना चाहिए, पिता के मतलब आदमी के मां और बेटी दोनों बीमार होंगे तो ही आंसर यस, अदरवाइज नो। यहां पे भी लेडीज की पिता और बेटा दोनों बीमार होंगे तो ही यस, अदरवाइज नो। क्लियर होगी बात? तो सिंपल, खेल खत्म हमारे पास। ये हमारे पास इजी तौर पे सॉल्व करने का तरीका। अब जितने भी तुम्हें अगर लेक्चर देख लिया, जहां कहीं से भी तुम्हें ये वाले क्वेश्चन मिलेंगे उसको इस बेस पे सॉल्व करने की कोशिश करना। आगे आते हैं, देखते हैं क्या है। ओके, अब क्या कह रहा है? कलर ब्लाइंडनेस, यानी कि अब यहां पर एक हमारे पास स्टार्ट कर दिया है, जो ऊपर हमने बीमारियां पढ़ी उन बीमारियों को लेकर के यहां बातें करना स्टार्ट कर रहा है ये। इट इज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। अब इसमें क्या करना है तुमको, इसमें क्या सब चीज लाइन में दे रखी है, तुम लोग एक काम ये कर लेना चाहो तो, कलर ब्लाइंडनेस साइड में लिख करके कलर ब्लाइंडनेस कैरेक्टर लिख लेना, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, ठीक है, ड्यू टू डिफेक्ट इन आइदर रेड और ग्रीन कोन ऑफ आई। आई के कोन्स पता है, अगर 11th में पढ़ रखा है तुमने तो हमारे में वो पाए जाते हैं रॉड्स और कोन्स पाए जाते हैं आंखों के अंदर, ठीक है ना। तो ये किसमें गड़बड़ी आ रही है? कोन में, रिजल्टिंग इन फेलियर टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द रेड एंड ग्रीन कलर। कौन सी चीज, कौन गड़बड़ है? रेड और ग्रीन। किस कलर में नहीं देख पा रहे हैं? रेड और ग्रीन में नहीं देख पा रहा है, ठीक है। दिस डिफेक्ट इज ड्यू टू म्यूटेशन इन सर्टन जीन प्रेजेंट इन एक्स क्रोमोसोम। म्यूटेशन किसमें हो रहा है? एक्स क्रोमोसोम में हो रहा है। तो ये सारे अब यहां पे डाटा है, अब तुमको यहां पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कलर ब्लाइंडनेस कौन क्या होता है? सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है, एक्स क्रोमोसोम में म्यूटेशन हो रहा है, रेड ग्रीन के कौन खराब होते हैं, रेड ग्रीन कलर में नहीं दिखाई देता है, ये सब क्वेश्चन है तुम्हारे पास। इट ऑकर इन अबाउट 8% मेल एंड 0.4% फीमेल। मेल्स में ज्यादा, फीमेल से कम, यही मार्क कर लेना, मेल्स में ज्यादा फीमेल्स में कम, ठीक है, क्योंकि रिसेसिव है तो ऑब्वियसली बात है फीमेल में जब दोनों एक्स में पाई जाएगी तो ही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। दिस इज बिकॉज द जीन्स दैट लीड टू द रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस आर ऑन एक्स क्रोमोसोम। मेल्स हैव ओनली वन एक्स क्रोमोसोम एंड फीमेल हैव टू, यानी स्पष्ट है मेल में जब तक दोनों के ऊपर कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगा तब तक वो नहीं दिखाएगा, मेल में एक के ऊपर भी हो जाएगा ना वो दिखा देगा, तो इसीलिए मेल्स में ज्यादा पाया जाता है, फीमेल्स में कम पाया जाएगा। द सन ऑफ ए वुमेन, अब देखो क्या बोल रहा है, द सन ऑफ ए वुमेन, बेटा उस वुमेन का हु कैरीज द जीन हैज 50% चांस ऑफ बीइंग कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, यानी कि यहां पे मेरी जो फीमेल है वो कैरियर है, वो क्या है? कैरियर है, उसका किसी दूसरे जो मेल है शादी होगी उससे एक्स और वाई, तो इसमें जाहिर सी बात है जो मेल से क्या आएगा, वाई आएगा, और यहां से ये वाला एक्स भी जुड़ सकता है और ये वाला एक्स भी जुड़ सकता है, दोनों में से कोई एक्स, एक एक्स जुड़ेगा तो 50% चांस होते हैं, है ना, वाई तो यहां से आएगा ही आएगा। अब इस वाई से अगर ये वाला एक्स जुड़ गया या ये वाला एक्स जुड़ गया, 50-50% चांस है, कोई भी जुड़ सकता है, तो इसलिए कह रहा है 50% चांस ऑफ बीइंग कलर ब्लाइंड। अगर फीमेल मेरी क्या है, कैरियर है, कैरियर मतलब उसको कलर ब्लाइंड है नहीं लेकिन कलर ब्लाइंड का जीन उसके अंदर मौजूद है, तो उसका जो बेटा होगा उसकी 50% चांस है कलर ब्लाइंड होने का। द मदर इज नॉट हरसेल्फ कलर ब्लाइंड, मदर खुद कलर ब्लाइंड नहीं है बिकॉज द जीन इज रिसेसिव, जीन रिसेसिव है, जब तक दोनों एक साथ नहीं आएंगे तब तक शो नहीं करेगा। दैट मीन्स दैट इट अफेक्ट इज सप्रेस्ड बाय हर मैचिंग डोमिनेंट नॉर्मल जीन, यानी कि जो नॉर्मल जीन है उसके बगल में वो इसके इफेक्ट को खत्म कर देता है। ये जीन मेरा नॉर्मल है, ये नॉर्मल जीन इसके इफेक्ट को रिसेसिव वाले को खत्म कर देगा, तो हमारी जो फीमेल है वो नॉर्मल रहती है। और डॉटर विल नॉट नॉर्मली बी कलर ब्लाइंड अनलेस हर मदर इज कैरियर एंड हर फादर इज कलर ब्लाइंड। बेटी कब तक नहीं होगी? अब देखो मदर क्या है, कलर ब्लाइंड है, अब फादर को भी कलर ब्लाइंड होना पड़ेगा,
फादर कलर ब्लाइंड है, मदर कैरियर है, इस केस में तो संभावना है कि डॉटर क्या हो जाए, यहां से भी एक्सी वाला आ गया, यहां से भी एक्सी वाला आ गया, डॉटर क्या हो जाए, कलर ब्लाइंड हो जाए, इस केस में संभावना है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो साफ साफ कह रहा है जब तक कि मदर कलर ब्लाइंड नहीं होगी, ठीक है, अनलेस द मदर इज अ कैरियर एंड हर फादर इज अ कलर ब्लाइंड। क्लियर हो गई ये बातें कलर ब्लाइंड वाली। चले आगे बात करते हैं हीमोफीलिया की। ये अगेन हीमोफीलिया लिख करके क्या क्या मार्क करोगे, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है, ठीक है, विच शो रिसेसिव है, तो जाहिर सी बात है ट्रांसमिशन फॉर्म अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल, फीमेल कैसी होगी, कैरियर होगी, उसके ऊपर तो कोई असर शो होगा नहीं, ठीक है। टू द मेल प्रोजेनी हैज बीन वाइडली स्टडीड, इसको ज्यादातर स्टडी किया गया है, ये कहां से कहां ट्रांसफर होता है, फीमेल से मेल में। इन दिस डिजीज अ सिंगल प्रोटीन दैट इज अ पार्ट ऑफ द कास्केड ऑफ प्रोटीन इन्वॉल्व इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज अफेक्टेड। अब देखो ये वर्ड याद रखना, कास्केड ऑफ प्रोटीन, कास्केड मतलब होता है एक सीरीज होती है, ठीक है ना। तो यहां पर साफ साफ कह रहा है ए सिंगल प्रोटीन डेट इज द पार्ट ऑफ द कास्केड ऑफ प्रोटीन, एक प्रोटीन जो सीरीज है जो इन्वॉल्व होती है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, है ना, हमारा हाथ कट जाए खून निकले तो उसको क्लॉट करना होता है, उसमें जो प्रोटीन पाई होती है उसकी जो प्रोटीन की एक सीरीज होती है वो क्या होती है, अफेक्ट हो जाती है, प्रभावित हो जाती है। ड्यू टू दिस इन एन अफेक्टेड इंडिविजुअल अ सिंपल कट विल रिजल्ट इन नॉन स्टॉप ब्लडिंग, ये याद रख लोगे, छोटा सा भी कट क्या करेगा, नॉन स्टॉप ब्लीडिंग, ब्लीडिंग चलती रहेगी, जल्दी रुकेगी नहीं, ज्यादा बड़ी चोट लग जाए तो खून रुकता नहीं है, डेथ भी हो सकती है। ओके, अब क्या कह रहा है, साफ साफ कह रहा है द हेट्रोजाइगस फीमेल, यानी कि फीमेल क्या हो जाएगी, कैरियर, हेट्रो मतलब एक एक्स एच होगा, हेट्रोजाइगस होगा एक एक्स एच होगा, हीमोफीलिया एक एक्स नहीं होगा, ये हेट्रोजाइगस फीमेल होगी, कैरियर होगी। फॉर हीमोफीलिया मे ट्रांसमिट द डिजीज टू सन, ये अपने लड़के को ट्रांसमिट कर सकती है, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि मेल क्या होगा एक्स और वाई होता है, अगर एक भी एच आ गया तो ये क्या हो जाएगा, कैरियर हो जाएगा। द पॉसिबिलिटी ऑफ फीमेल बिकमिंग अ हीमोफिलिक इज एक्सट्रीमली रेयर बिकॉज मदर ऑफ सच फीमेल हैज टू बी एटलीस्ट कैरियर, कह रहा है पॉसिबिलिटी फीमेल में होने की बहुत कम है, क्यों, ये तभी हो पाएगा जब तक मदर क्या हो, कैरियर ना हो, ठीक है, एंड द फादर शुड बी हीमोफिलिक, मदर को कैरियर होना पड़ेगा और फादर को हीमोफिलिक होना ही पड़ेगा, एक्स एक्स और एक्स एच और वाई, फादर तो है ही हीमोफिलिक, मदर कैरियर है, इसी केस में संभावना है कि जो लड़की है वो क्या होगी, जो डॉटर है वो हीमोफिलिक होगी। क्लियर है बातें, बात समझ में आ रही है? ओके, अब एंड द फादर शुड बी हीमोफिलिक, द फैमिली पेडिग्री ऑफ क्वीन विक्टोरिया शोज अ नंबर ऑफ हीमोफिलिक डिसेंडेंट्स एज शी वॉज अ कैरियर ऑफ डिजीज, तो यहां पर क्वीन विक्टोरिया की बात कर दी इन्होंने, ठीक है। ओके, यहां पर एक बात और छुप गई, यहां पर अनवाइबल इन द लेटर स्टेज ऑफ लाइफ, होता क्या है एक्चुअली, रियलिटी ये है कि जो अगर फीमेल ऐसी हो भी जाए ना हीमोफिलिक, वो जिंदा नहीं रहती है, ब्लड उसमें रुकता ही नहीं है, मतलब ब्लड का क्लॉटिंग हो ही नहीं पाती है, तो ऐसी फीमेल जो कैरियर होती हैं ये पाई नहीं जाती है, इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है, बिकॉज मदर ऑफ सच फीमेल टू बी एटलीस्ट कैरियर एंड द फादर द पॉसिबिलिटी ऑफ फीमेल बिकमिंग अ हीमोफिलिक, ठीक है, ये आगे लिखा हुआ अनवायबल इन द लेटर स्टेज ऑफ लाइफ, क्लियर है। तो ऐसी फीमेल क्या होंगी, पाई नहीं जाती है, क्योंकि इनकी क्या होती है, डेथ हो जाती है। बात समझ में आ रही है, क्योंकि पूरी तरीके से हीमोफिलिक होती है और ये पाई नहीं जाएंगी। चले आगे, आगे देखते हैं, फिर कह रहा है सिकल सेल एनीमिया, अगेन एक इंपॉर्टेंट चीज, सिकल सेल एनीमिया, क्या कह रहा है, दिस इज एन ऑटोसोम लिंक्ड, देखो ये कैसी आ गई ऑटोसोम, इससे पहले दोनों कैसी थी, सेक्स लिंक्ड ट्रेट दैट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग व्हेन बोथ द पेरेंट्स आर कैरियर फॉर द जीन, तभी होगा जब दोनों कैसे होंगे, कैरियर होंगे जीन्स के और हेटरोजाइगस, द डिजीज इज कंट्रोल्ड बाय, क्योंकि रिसेसिव है, रिसेसिव में दोनों को ही कैरियर होना पड़ेगा तभी बच्चे में जाएगा, ठीक है। द डिजीज इज कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल पेयर ऑफ एलील एच बी ए एंड एच बी एस, ठीक है, आउट ऑफ द थ्री पॉसिबल जीनोटाइप ओनली होमोजाइगस इंडिविजुअल फॉर एच बी एस शो द डिजीज फिनोटाइप, यानी कि एच बी और एच बी एस, तो तीन टाइप की संभावना पॉसिबल है, कौन कौन सी है,
HBA, HBS और HBS और HBS, तो जाहिर सी बात है रिसेसिव है, तो ये वाली संभावना क्या दिखाएगी हमको? सिकल सेल एनीमिया दिखाएगी। क्लियर है? तो यहां साफ साफ लिखा हुआ है आउट ऑफ थ्री पॉसिबल जीनोटाइप, तीन पॉसिबल जीनोटाइप है, उनमें से केवल HBS HBS वाली ही क्या करती है, दिखाती है। आगे बात करें क्या बोल रही है, हिट्रोजाइगस HBA HBS इंडिविजुअल अपीयर अपेरेंटली अनअफेक्टेड, ये अनअफेक्टेड होते हैं, कैरियर है बट अनअफेक्टेड, कैरियर मतलब इनके पास जीन तो है बट ये अनअफेक्टेड है क्योंकि रिसेसिव है, बट दे आर कैरियर फॉर द डिजीज, देयर इज 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द म्यूटेंट जीन टू प्रोजेनी। अब जाहिर सी बात है एक के पास है, मतलब एक क्रोमोसोम पे है एक पे नहीं है, तो 50% चांस है हमारे पास। ओके, तो क्या है 50% प्रोबेबिलिटी है ट्रांसमिशन की, यानी कि जो कैरियर होते हैं वो 50% संभावना होती है कि अपने बच्चों को क्या पहुंचा दें, सिकल सेल एनीमिया वाली बीमारी पहुंचाएं। Thus exhibiting sickle cell trait. Okay. The defect is caused by, बात समझ में आ गई, जो कैरियर होते हैं वो 50% कहना चाह रहा है, 50% संभावना होती है कि अपने प्रोजेनी को पहचाने बीमारी पहुंचाएं। अब क्या कह रहा है, द डिफेक्ट इज कॉज्ड बाय सब्स्टिट्यूशन, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है, ऑफ ग्लूटामिक एसिड। जनरली होता क्या है, एक नॉर्मल जो सेल होगा हमारा उसमें क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड लगा हुआ होता है, ठीक है, ये देखो हम देख सकते हैं क्या लगा हुआ है, जो ये प्रोटीन की चेन है छठे नंबर पर क्या लगा हुआ है, ग्लूटामिक एसिड। जब ग्लूटामिक एसिड लगा हुआ है छठे नंबर पर, तो मेरे सेल्स कैसे हैं, नॉर्मल है, लेकिन इस छठे नंबर पर जब ग्लूटामिक एसिड क्या लग जाता है, वेलाइन लग जाता है, ये वेलाइन है, तो ये बीमारी पैदा हो जाती है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं ये क्या है, म्यूटेशन है, कैसा म्यूटेशन देख सकते हैं हम लोग, GAG, केवल एक ही जगह क्या लग गया है, यू लग गया है, एक ही जगह क्या लग गया, यू। ये हम ये देख सकते हैं जो हमारा जीन रहा है ऊपर आ जाए, ये तो खैर आरएनए की बात है, आरएनए इंफॉर्मेशन कहां से लेके आया, डीएनए से, ये डीएनए की दो स्ट्रैंड है, नॉर्मली ऊपर क्या होता है ए और नीचे क्या होता है टी, तो ऊपर वाली इंफॉर्मेशन नीचे आ जाती है, लेकिन यहां क्या हो गया ऊपर टी, तो टी की वजह से यहां पर क्या आ गया है, यू आ गया यहां पर। अब ये टी यू सी जी इस टॉपिक को जस्ट अभी समझ लो कि ए की जगह ए और टी की जगह यू आ गया, इसकी डिटेलिंग जब 6th चैप्टर में करेंगे ना तो ये ऐसे हलवा लगेगा तुम्हें एकदम से, ठीक है। फिलहाल यहां बात कर तुम्हें याद रखनी है, ग्लूटामिक एसिड की जगह पर वेलाइन, जो अमीनो एसिड होता है ग्लूटामिक एसिड, उसकी जगह पर क्या लग गया है, वेलाइन लग गया है। क्लियर है? तो देख सकते हैं हम लोग क्या कह रहा है, माइक्रोग्राफ ऑफ द रेड ब्लड सेल्स एंड द अमीनो एसिड कंपोजिशन ऑफ द रिलेवेंट पोर्शन ऑफ बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, किसमें होता है ये, बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, उसमें चेंजेस आ रहे हैं, ये ग्लूटामिक एसिड की जगह पर वेलाइन लग रहा है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, क्या कह रहा है, ठीक है, बाय वेलाइन एट द 6th पोजिशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन, मार्क कर लेंगे इसको। क्लियर, चलते हैं आगे, द सब्स्टिट्यूशन ऑफ अमीनो एसिड इन ग्लोबिन प्रोटीन रिजल्ट ड्यू टू द सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन एट 6th कोडोन ऑफ द बीटा ग्लोबिन फ्रॉम GAG टू GUG। अब ये GAG GUG अभी तुम लोगों को बहुत ज्यादा समझ में नहीं आएगा, इसको केवल याद रख लो, GAG की जगह क्या हो जाता है, GUG हो जाता है। डिटेलिंग जब हम लोग 6th चैप्टर में कर लेंगे तो बहुत आराम से समझ में आएगा ये कि क्या है GAG और GUG। अब क्या कह रहा है, ये म्यूटेशन हो गया, द म्यूटेंट हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल अंडरगोस पॉलीमराइजेशन अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन कॉजिंग द चेंज इन द शेप ऑफ RBC फ्रॉम बाइकॉनकेव डिस्क टू इलॉन्गेटेड सिकल सेल लाइक। तो हमको यहां साफ साफ क्या दिखाई दे रहा है, क्या बीमारी हो गई है, ये कैसे हो गए सिकल्स, है ना, सिकल ऐसा मुड़ा हुआ था ये, इसकी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है काफी कम होती है ये, ठीक है, ये गोल गोल रहते हैं डिस्क शेप की, इनकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी काफी ज्यादा होती है, तो वही बात इसने बोल दी है, द म्यूटेंट हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल अंडरगो पॉलीमराइजेशन अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन कॉजिंग द चेंज। अब हो क्या रहा है, चेंज इन द शेप ऑफ RBG फ्रॉम बायकॉनकेव, जो सिंपल नॉर्मल था वो कैसा था, बायकॉनकेव डिस्क टू इलॉन्गेटेड सिकल लाइक, ये चेंजेस आ जाते हैं इसके अंदर। क्लियर है बातें, चले आगे, नेक्स्ट है फिनाइल कीटोन यूरिया, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था, देखते हैं यहां पर क्या कह रहा है, दिस इज इनबॉर्न एरर, पैदाइशी एरर है ये ऑफ मेटाबॉलिज्म, और किसका है ये, मेटाबॉलिज्म का एरर है, ठीक है ना, सबके एरर याद रखना,
ये किसका है, मेटाबॉलिज्म, यानी कि हमारी बॉडी में कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है उसके अंदर एरर हो जाती है। इट इज आल्सो इनहेरिटेड एज ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। कैसी ट्रेट है ये, ऑटोसोमल रिसेसिव है। द अफेक्टेड इंडिविजुअल लैक एन एंजाइम, इसको समझते हैं, देखो, दैट कन्वर्ट द अमीनो एसिड फिनाइल एलानिन इनटू टायरोसिन। अब हो क्या रहा है, हमारे पास हमारी बॉडी में एक एंजाइम होता है, वो फिनाइल एलानाइन को किसमें कन्वर्ट कर देता है, टायरोसिन में, टायरोसिन में। यहां पर एक एंजाइम काम करता है, ठीक। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस फिनाइल एलानिन इज एक्यूमुलेटेड एंड कन्वर्टेड इनटू फिनाइल पाइरुविक एसिड। अब ये एंजाइम फिनाइल कीटोन्यूरिया है ना, ये एंजाइम तो काम बन नहीं रहा है, बीमारी हो गई है। तो फिनाइल एलानिन क्या होता है, फिनाइल एलानिन वो हमारी बॉडी में स्टोर होने लगता है, किस रूप में स्टोर होने लगता है, फिनाइल पाइरुविक एसिड, फिनाइल पाइरुविक एसिड के रूप में क्या हो रहा है, ये स्टोर हो रहा है, क्योंकि इसको तोड़ने वाला एंजाइम तो बन नहीं रहा है, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, एसिड एंड अदर डेरिवेटिव, या फिनाइल पाइरुविक एसिड में या उसके कुछ और डेरिवेटिव में के रूप में स्टोर हो जाएगा। एक्यूमुलेशन ऑफ दीज इन ब्रेन, जब ये फिनाइल पाइरुविक एसिड हमारे ब्रेन में जाके इकट्ठा होता है, मेंटल रिटार्डेशन आने लगती है। क्या आने लगती है, मेंटल रिटार्डेशन, यानी कि दिमाग हमारा कमजोर होने लगता है। दीज आर ऑल्सो एक्सिटेड थ्रू यूरिन बिकॉज ऑफ इट्स पुअर एब्जॉर्प्शन बाय किडनी, ठीक है। अब जो फिनाइल पाइरुविक एसिड है ये क्या है, किडनी से ही बाहर निकल रहा है, क्योंकि हमारी बॉडी में प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं होता है। तो क्या लक्षण है फिनाइल कीटोन्यूरिया के, एक तो हमारे यूरिन में, यूरिन से पास होता है, दूसरा हमारे ब्रेन को ये डैमेज, यानी कि ब्रेन में इकट्ठा होगा तो ब्रेन की फंक्शन पे अफेक्ट करता है। क्लियर है, चले आगे, चलो देखते हैं थैलेसेमिया। थैलेसेमिया क्या है, दिस इज ऑल्सो एन ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ब्लड डिजीज। एक ब्लड डिजीज क्या थी, सिकल सेल वाली, ये भी ब्लड डिजीज आ गई, ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। ऑब्वियसली बात है, जब जेनेटिक डिसऑर्डर है तो माँ बाप से बच्चों में जाएगा ही जाएगा, इसमें कोई दोराई वाली बात नहीं है। वेन बोथ द पार्टनर्स आर अफेक्टेड, क्योंकि रिसेसिव है तो रिसेसिव में जब तक दोनों पार्टनर अफेक्टेड नहीं होंगे तब तक ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक, ठीक है। बोथ द पार्टनर्स आर अनअफेक्टेड फॉर द जीन और हेटरोजाइगस, ठीक है, अनअफेक्टेड कैरियर, यानी कि माँ बाप में क्या है, अफेक्टेड तो है, कैरियर है, मतलब उनके अंदर लक्षण नहीं दिखाई दे रहे बट जीन्स हैं। द डिफेक्ट कुड बी ड्यू टू आइदर म्यूटेशन और डिलीशन, साफ साफ कह रहा है म्यूटेशन और डिलीशन, विच अल्टीमेटली रिजल्ट इन रिड्यूस रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ वन ग्लोबिन चेन अल्फा बीटा, ये मार्क कर लेंगे। डिफेक्ट जो थैलेसेमिया होता है उसके अंदर क्या होता है, हमारी जो हीमोग्लोबिन होती है उसके अंदर दो चेन से बने होते हैं, दो अल्फा और दो बीटा, चार होती है टोटल। तो होता क्या, इस डिफेक्ट की वजह से अल्फा और बीटा चेन की जो सिंथेसिस होती है वो क्या हो गई है, धीमी हो गई है। दैट मेकअप हीमोग्लोबिन, और यही मिलकर क्या बनाती है, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन की क्या हो जाएगी, बनने की रफ्तार धीमी हो जाएगी। दिस कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल रिजल्टिंग इनटू अनीमिया विच इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डिजीज, यानी कि इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, अनीमिया, खून की कमी। अनीमिया में क्या होता है, खून की कमी हो जाती ना, जब बन ही नहीं रहा है, रेट इसका कम हो गया तो ब्लड कम बनेगा, ब्लड कम बनेगा तो क्या हो जाएगा, अनीमिया हो जाएगा। क्लियर है, तो कह रहा है आगे, थैलेसेमिया कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू विच चेन ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज अफेक्टेड। तो कौन सी चेन अफेक्ट हो रही है, अल्फा या बीटा, अल्फा हो रही है तो उसको हम अल्फा थैलेसेमिया कहते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ अल्फा ग्लोबिन चेन इज अफेक्टेड, व्हाइल बीटा थैलेसेमिया प्रोडक्शन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन इज अफेक्टेड। सिंपल हो गया, बहुत आसान हो गया, यहां पे कुछ करना ही नहीं है। अब आगे क्या कह रहा है, अल्फा थैलेसेमिया इज कंट्रोल्ड बाय टू क्लोजली लिंक्ड जीन्स। अब यहां से कहानी नहीं स्टार्ट हो रही है, अब कह रहा है अल्फा थैलेसेमिया को दो क्लोजली लिंक्ड जीन कंट्रोल करते हैं, HBA1 एंड HBA2 ऑन क्रोमोसोम 16 ऑफ ईच पेरेंट, एंड इट इज ऑब्जर्व्ड ड्यू टू म्यूटेशन और डिलीशन ऑफ वन और मोर ऑफ द फोर जीन। यानी कि क्या साफ साफ कह दिया इसने, सिक्स नंबर क्रोमोसोम पे दोनों पेरेंट्स के होते हैं HBA1 और HBA2, ठीक है, और इट इज ऑब्जर्व ड्यू टू म्यूटेशन। ये कब देखा जाता है, जब म्यूटेशन हो जाए या डिलीशन हो जाए, वन और मोर ऑफ द फोर जीन, इन चारों में से कोई एक हट जाएगा
तो ये हमको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो यहां पर एक जैसे डाटा है, ये किस क्रोमोसोम नंबर पर है, कौन सा जीन है, ठीक है, कब होगा, ये एक हटेंगे, चारों हटेंगे, कैसे हटेंगे, कोई भी एक हटेगा तो हमको देखने को मिल जाएगा ये। ठीक है, द मोर जीन्स अफेक्टेड द लेस अल्फा ग्लोबिन मॉलिक्यूल प्रोड्यूस, जितने ज्यादा जीन हटते जाएंगे, मतलब एक हटा तो थोड़ा सा ठीक है कम बनेगा, दो हट गए तो और कम बनेगा। ठीक है, साफ साफ लिखा हुआ है, मोर जीन्स अफेक्टेड द मोर अल्फा ग्लोबिन मॉलिक्यूल प्रोड्यूस, लेस अल्फा ग्लोबिन प्रोड्यूस, वाइल बीटा थैलेसेमिया इज कंट्रोल्ड बाय सिंगल जीन HBB ऑन क्रोमोसोम नंबर 11। ये डिस्टिंग्विश बिल्कुल दिमाग में सेट रख लेना, बीटा को केवल एक ही जीन, उसको कितने कर रहे हैं HBR, और दो जीन्स, टू क्लोजली लिंक्ड जीन्स। ठीक है, 11 ऑफ ईच पेरेंट है ना, दोनों में पाए जाएंगे 11 नंबर क्रोमोसोम पे, एंड ऑकर ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ वन और बोथ जीन्स। क्यों होता है बीटा थैलेसेमिया, एक में या दोनों में म्यूटेशन हो जाए तो। थैलेसेमिया डिफर फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया इन दैट द फॉर्मर इज अ क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम, क्वांटिटी, थैलेसेमिया में क्या है, क्वांटिटी में दिक्कत आ गई है, उतना आरबीसी नहीं बन पा रहा, तभी तो एनीमिया हो गया, खून की कमी, ऑफ सिंथेसाइजिंग टू फ्यू ग्लोबिन मॉलिक्यूल, बहुत कम बन रहे हैं, व्हाइल द लेटर जो बाद वाला है यानी कि सिकल सेल है इज अ क्वालिटेटिव प्रॉब्लम, ये क्वालिटी की दिक्कत है, उस क्वांटिटी पूरी है, हजार के हजार है लेकिन आधे ज्यादा सिकल शेप के हो गए हैं, तो क्वालिटी की प्रॉब्लम है, ऑफ सिंथेसाइजिंग एंड इनकरेक्टली फंक्शनिंग ग्लोबिन, तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है ये, एक प्रॉब्लम क्वांटिटी की है, एक प्रॉब्लम क्वालिटी की है, क्लियर है, बात समझ में आ गई, ओके ओके। तो अब देखते हैं हम लोग क्या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, क्या है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में, तो अब तक जो पीछे पढ़ा हमने ये क्या था, जीन्स के डिफेक्ट थे, इसीलिए इन्हें मेंडेलियन डिसऑर्डर भी कहा जाता था, ध्यान रखना ये सारे क्या थे ऊपर के, मेंडेलियन डिसऑर्डर। ठीक है, अब बात करते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की, तो क्या है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में देख ले हम लोग, द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर ऑन अदर हैंड, दूसरी तरफ यानी कि एक तरफ ये हो गए मेंडेलियन डिसऑर्डर, दूसरी तरफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, आर कॉज्ड ड्यू टू एब्सेंस, कमी, एक्सेस ज्यादा और एबनॉर्मल अरेंजमेंट, अरेंजमेंट जब प्रॉपर नहीं होता है, फिर कह रहा हूं ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम, फिर कह रहा हूं मैं मियोसिस, अब ये वाले पार्ट में कुछ चीजें ऐसी हैं जब तक मियोसिस नहीं पढ़े होगे तुम लोग कायदे से, तो ये वाले पार्ट में से कुछ पार्ट समझ में नहीं आएगा, मियोसिस आने की चैप्टर नंबर 10 क्लास 11 का, चलो आगे आते हैं। अब क्या कह रहा है, फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन, लो आगे लाइन, फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड ड्यूरिंग सेल डिविजन साइकिल रिजल्ट इन गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम कॉल्ड एन्यूप्लॉइडी। अब देखो थोड़ा सा, चलो मैं बता देता हूं तुम लोग जिसको याद है, अच्छी बात है, तुम लोगों को याद है क्या होता था, होमोलोगस क्रोमोसोम इस टाइप से अरेंज हो जाते थे, है ना, फिर ये होमोलोगस क्रोमोसोम पूरे होते थे, मैंने तीन ही बना के दिखाए, ठीक है, अब देखो होता क्या था, ये जुड़े हुए होते थे होमोलोगस क्रोमोसोम, अब क्या होता था अगले स्टेप में इनको अलग होना है, यानी कि आधे इधर जाएंगे आधे इधर जाएंगे, 23 इधर 23 इधर, लेकिन अगर गलती से कुछ ऐसा हो जाए, सपोज ये तो क्रोमोसोम पूरा आ गया, ये भी पूरा आ गया, अच्छी बात, इस वाले में क्या हुआ, ये क्रोमोसोम अपने साथ इसको लेके भी आ गया और यहां पर गलती से एक ही रह गया, ठीक है ना, एक दो यहां तीन आ गए और यहां चलो ये भी पूरा आ गया, पूरा आ गया, तो हम लोग देख रहे हैं ना यहां पर क्या हुआ, एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया यहां पर, यानी कि अब ये वाला पार्ट जब मेरा गैमेट बनाएगा तो उसमें एक क्रोमोसोम क्या है, एक्स्ट्रा है, तो यही सेग्रीगेशन जब क्रोमोसोम अलग हो रहे होते हैं, ठीक है, याली कंडीशन हो सकती है, या फिर एक और कंडीशन ले लें, यहां पर नहीं आएंगे तो इसके बाद जो अगले स्टेज आती है मियोसिस टू में, ठीक है, किस में आ जाए, मियोसिस टू में, मियोसिस टू में क्या हो रहा होगा, जब ये अलग हो रहे होते हैं तो क्या होगा, फिर से वही कहानी हो जाएगी कि मान लो ये पूरा आ गया, ये वाला पूरा आ गया, अब इसमें कुछ नहीं आया, ये दोनों को लेकर साथ चला आया, ये तीसरा वाला भी ठीक, ये वाला भी ठीक, ये यहां से क्या लेके आ गया, पूरा पूरा, यहां पे अलग ही नहीं हो पाया ये पूरा क्रोमोसोम लेके आ गया, तो ये वाला पार्ट जो गैमेट बनाएगा इसमें एक क्रोमोसोम कम होगा और ये वाला पार्ट जो गैमेट बनाएगा उसमें एक क्रोमोसोम ज्यादा हो जाएगा, बात समझ में आ रही है, तो क्या कह रहा है, फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन मतलब सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड ड्यूरिंग सेल डिविजन, किस समय, सेल डिविजन के दौरान, तो अब ये साइकिल अगर याद है तो ये बात समझ में आ रही होगी, अदरवाइज दिक्कत देगी, फॉर एग्जाम्पल डाउन सिंड्रोम रिजल्ट इन द गेन ऑफ एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21, ये डाटा याद रखेंगे, ये चीज हो जाती है, मान लो ये क्रोमोसोम नंबर कौन सा है 21 है,
तो जिस समय ये अलग हो रहा होता तो ये पूरा ले आता अपने साथ, तो एक एक्स्ट्रा कॉपी इसके साथ जुड़ जाती है, ठीक है। तो सिमिलरली टर्नर सिंड्रोम रिजल्ट ड्यू टू लॉस। अब जो लॉस वाला पार्ट है यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ पर जो लॉस वाला पार्ट है ये अगर गैमेट फ्यूज होकर के जैगेट बनाएगा तो क्या क्रिएट कर देगा, टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। अच्छा टर्नर में क्रोमोसोम कौन सा होता है, एक्स होता है, उसमें ऑटोसोमल ना होकर के एक्स होता है, डॉन में हमारा ऑटोसोमल होता है, ठीक है। फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस, अच्छा टर्नर सिंड्रोम किसकी बीमारी है, ह्यूमन फीमेल की। आगे आते हैं, फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर टेलोफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन होल सेट ऑफ क्रोमोसोम इन एन ऑर्गेनिज्म। टेलोफेज के दौरान, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, टेलोफेज के दौरान क्या होना होता है, यहां पर क्या हो रहा है, जैसे हमने कहा ना ये क्रोमोसोम टूट टूट के अलग हो गए, अब इसको सेल को डिवाइड होना है, ये हो ही नहीं पाया तो पूरे इसके अंदर क्रोमोसोम पूरे के पूरे रह गए, पूरा सेट आ गया क्रोमोसोम का, ठीक है ना। जब ऐसी सिचुएशन होती है पूरा क्रोमोसोम आ जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीप्लॉयडी। तो ध्यान रखना एनीप्लॉयडी में एक क्रोमोसोम नहीं होगा या एक्स्ट्रा हो जाएगा, पॉलीप्लॉयडी में पूरा सेट, और पॉलीप्लॉयडी देखने को मिलती है प्लांट्स में, दिस कंडीशन इज ऑफन सीन इन प्लांट्स। ह्यूमंस में पॉलीप्लॉयडी वाला जिंदा ही नहीं बचता, मर जाएगा वो, ठीक है। एनीप्लॉयडी वाले केस तो ह्यूमन में देखने को मिलते हैं, पॉलीप्लॉयडी वाला केस ह्यूमंस में नहीं मिलेंगे, इंसान की डेथ हो जाती है, क्लियर है भाई। 46 के तुम दुगने कर लो अगर क्रोमोसोम, ठीक है ना, कितने हो गए 90, कितने हो गए 92, तो 92 क्रोमोसोम वाला इंसान वैसे भी जिंदा नहीं रहेगा, ठीक है। आगे आते हैं, तो एनीप्लॉयडी पॉलीप्लॉयडी क्लियर हो गया, एनीप्लॉयडी में सिंगल क्रोमोसोम, पॉलीप्लॉयडी में पूरा सेट। अब आगे क्या बोला, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन नॉर्मल ह्यूमन सेल इज 46 या 23 पेयर, आउट ऑफ दिस 22 पेयर आर ऑटोसोम एंड 1 पेयर इज क्रोमोसोम और सेक्स क्रोमोसोम, पढ़ चुके अभी हम लोग। समटाइम्स दो रेयरली आइदर एन एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम, कई बार ऐसा होता है क्रोमोसोम की एक एडिशनल कॉपी मे बी इंक्लूडेड इन एन इंडिविजुअल और एन इंडिविजुअल मे लैक वन ऑफ एनी वन पेयर, या किसी के अंदर एक्स्ट्रा हो जाएगी या किसी के अंदर कम हो जाती है, एक की बात कर रही है, ठीक है ना। दीज सिचुएशन आर नोन एज ट्राइसोमी और मोनोसोमी, ध्यान रखना ऑफ क्रोमोसोम रेस्पेक्टिवली, अगर एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो रहा है तो उसको ट्राइसोमी कहते हैं, एक क्रोमोसोम कम हो जा रहा है तो उसको मोनोसोमी कहते हैं, बिल्कुल मार्क कर लेंगे इसको अच्छे से, एडिशन होगा ट्राइसोमी, कम हो जाएगा तो मोनोसोमी ऑफ ए क्रोमोसोम रेस्पेक्टिवली। सच अ सिचुएशन लीड्स टू वेरी सीरियस कॉन्सिक्वेंस, ऐसी सिचुएशन बहुत ही सीरियस परिणाम होते हैं इन इंडिविजुअल। डॉन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लिनेफिल्टर सिंड्रोम आर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अब ये तीन टाइप के क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हमको यहां पढ़ने हैं, आओ देखते हैं। तो डॉन सिंड्रोम में क्या कह रहा है, कॉज ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर इज द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ द क्रोमोसोम नंबर 21, दैट इज कॉल्ड ट्राइसोमी ऑफ 21, याद रखेंगे डाटा है ये। डिसऑर्डर फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लैंगडन डॉन 1866 में, डाटा याद रखेंगे। द अफेक्टेड इंडिविजुअल इज शॉर्ट स्टेचर्ड विद स्मॉल राउंड हेड, शॉर्ट घंटा सा रह जाता है बच्चा, कभी देखना डाउन सिंड्रोम वाले पेशेंट डालना, घंटे से रह जाते हैं, ठीक है। उसका सर गोल होता है, फरोड टंग, फरो मतलब जो टंग होती है बीच में से हल्का कट रहता है उसमें, फरो रहता है, एंड पार्शली ओपन माउथ, मुंह हल्का सा हमेशा खुला रहता है, थूक सा निकलता रहता है। खैर पाम इज ब्रॉड, ये सब इसके कैरेक्टर हैं जो तुम्हें याद रखने हैं, पाम हथेली काफी चौड़ी होती है विथ कैरेक्टरिस्टिक पाम क्रीज, ठीक है ना, जो क्रीज रहती है उसके अंदर। फिजिकल साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्डेड, जो फिजिकल साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट क्या हो जाएगी, रिटार्ड कर जाएगी, कम हो जाती है, ठीक है ना, उतना सोच नहीं पाते हैं बच्चे, दिमागी तौर पे कमजोर होते हैं, क्लियर होगी बात। आगे आते हैं क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम, दिस जेनेटिक डिसऑर्डर इज आल्सो कॉज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम रिजल्टिंग इनटू कैरियोटाइप 47 XXY, बात समझ में आ रही है, एक्स की एक एक्स्ट्रा कॉपी हो गई है। सच एन इंडिविजुअल हैज ओवरऑल मस्कुलिन डेवलपमेंट, हाउएवर द फेमिनिन डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट दैट इज गायनेकोमास्टिया इज आल्सो एक्सप्रेस, सच इंडिविजुअल आर स्टेराइल, साफ साफ कह रहा है। अब भाई XY है तो क्या हो गया, मेल हो गया, तो ओवरऑल तो मसल वगैरह रहेगा मस्कुलिन, मेल जैसा डेवलपमेंट रहता है, बट उसके अंदर ब्रेस्ट वगैरह का डेवलपमेंट भी हो जाता है, जब ब्रेस्ट एक्स्ट्रा बढ़ जाती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं,
गायनेकोमेस्टिया कहते हैं, ठीक है। ऐसे इंडिविजुअल स्टेराइल होते हैं, ऐसे इंडिविजुअल बच्चे पैदा करने में सक्षम नहीं होते हैं। टर्नर सिंड्रोम, ठीक है, बात करते हैं टर्नर सिंड्रोम की। सच ए डिसऑर्डर इज कॉज्ड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एक्स क्रोमोसोम दैट इज 45 विद एक्सो सच फीमेल्स। अब क्योंकि वाई तो है ही नहीं, एक्स ही एक्स तो फीमेल होगा, आर स्टेराइल, ये भी क्या होती है, स्टेराइल होती है, ये बच्चे पैदा नहीं कर सकते। एज ओवरीज आर रूडिमेंट्री, इनकी जो ओवरी होती है ना बहुत ही छोटी सी रह जाती है, मतलब कह सकते हैं अनडेवलप हो जाती है, डेवलप नहीं कर पाती। बिसाइड्स अदर फीचर इंक्लूडिंग लैक ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर, जो सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर, सेक्सुअल करेक्टर दो टाइप के होते हैं, पढ़े थे हमने, एक प्राइमरी ओवरी होती है और सेकेंडरी जो बाद बाकी करेक्टर्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी बोलते हैं, ठीक है ना। ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा था हम लोगों ने, प्राइमरी और सेकेंडरी, तो वो करेक्टर भी उतने अच्छे से डेवलप नहीं होते हैं या कमी रहती है, लैक लिखा हुआ है। तो इस टाइप से तुमको क्या करना है, हर एक सिंड्रोम में किसकी वजह से हो रहा है, कमी की वजह से, ज्यादा होने की वजह से, और उसके क्या क्या करेक्टर हैं, वो तुमको क्या करने हैं, याद करने हैं, लर्न करने हैं, क्लियर है। और इसके बाद समरी आती है, मैं हमेशा बोलता हूँ समरी को पक्के से पूरा पूरा लर्न करने लगा, कई बार समरी के अंदर कुछ चीजें एक्स्ट्रा मिलती हैं। तो इस तरीके से ये चैप्टर हमारा होता है खत्म, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ के हमने इस चैप्टर को किया है खत्म। और तुम लोग भी क्या करोगे, इसको रिवाइज करोगे, कहीं पे कोई डाउटफुल रह गया तो वीडियो को रिवाइज करके देख लेना, अदरवाइज साथ साथ लिख लोगे तो सबसे अच्छा रहेगा। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करें, मुझे बताएं, मैं उस प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करूंगा। और तुम्हारा काम रिवाइज करते रहें और पढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।